ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती भागवती उत्तम श्लोके नोस्तिके भागवतम प्रथम स्कंध श्लोक संख्या 39। हे धन्ना भगवंत इत्थम् अथ इह धन्या भगवन्ता इत्थम् यद् वासुदेवे किल लोकनाथे यद् वासुदेवे अखिल लोकनाथे कुर्वन्ति सर्वात्मकमात्मभावम् कुर्वन्ति सर्वात्मकम् आत्मभावम् न यत्र भूय परिवर्त उग्र न यत्र भूय परिवर्त उग्र अथेह धन्ना भगवन्त इत्थम् अथ इह धन्या भगवन्त इत्थम् यद् वासुदेवे अखिल लोकनाथे यद् वासुदेवे अखिल लोकनाथे कुर्वन्ति सर्वात्मकमात्मभावम् कुर्वन्ति सर्वात्मकम् आत्मभावम् परिवर्त उग्र इह धन्या भगवन्त इत्थम् अथ्य धन्या भगवन्त इत्थम् यत् वासुदेवे अखिल लोकनाथे वासुदेवे अखिलं लोकनाथे कुर्वन्ति सर्वात्मकम् आत्मभावम् कुर्वन्ति सर्वात्मकम् आत्मभावम् यत्र भूय परिवर्त उग्र अथे धन्या भगवन्त इत्थम् अथ धन्या भगवन्त इत्थम्
यद वासुदेवा देवे अखिलं लोकनाथे यद वासुदेवे अखिलं लोकनाथे कुर्वन्ति सर्वयात्मकं आत्मभावम् कुर्वन्ति सर्वात्मकं आत्मभावम् नायत् प्रभुवे परिवर्त उग्र परिवर्त उग्र हरे कृष्ण अते धन्य भगवंत इत्थम अथ धन्य धन्य भगवंत इत्यथम यद् वासुदेव अखिले कुनाथे यद् वासुदेव अखिले कुनाथे कुर्वन्ति सर्वात्मकम् आत्मभावम् कुर्वन्ति सर्वात्मकम् आत्मभावम् नो यत्र भूय परिवर्त उग्र हरे कृष्ण विभा माता जी वैष्णवी माता जी हरी बोल मैं बोलू क्या श्लोक यस माता वैष्णवी तो आप ही का नाम है अथेह धन्या भगवन्त इत्थम् अथये धन्या भगवन्त इत्थम् यद् वासुदेवे अखिल लोकनाथे यद् वासुदेवे अखिल लोकनाथे कुर्वन्ति सर्वात्मक आत्मभावम् कुर्वन्ति सर्वात्मकि सर्वात्मकम् आत्मभावम् ययत्न यत्र भूया परिवर्त उग्रः न यत्र भूया परिवर्त उग्रः आपकी बेटी भी सामने है माता जी हाँ बोल जरा उसको बेटी को खिला रही है अच्छा ठीक है तो विवाह माता जी प्रसाद खिला रही है हाँ माता जी ड्यूटी में हाँ अरे इसका ड्यूटी में है तो मुझे नहीं होगा ठीक है माता जी को किस नाम से पुकारते हैं वैष्णवी माता जी आपकी बेटी को क्या हुआ आपकी बेटी का शॉर्ट नाम क्या है नाम विश्वधारिणी देवीदासी विश्वधारिणी विश्वधारिणी माता जी ठीक है तो आप ही पढ़िए अनुवाद तात्पर्य को मैं पढूं हाँ इस संसार में केवल ऐसी जिज्ञासाओं द्वारा ही मनुष्य सफल तथा पूर्णतः ज्ञात हो सकता है क्योंकि ऐसी जिज्ञासाओं से अखिल ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान के प्रति दिव्य आह्लादकारी प्रेम उत्पन्न होता है और जन्म मृत्यु की ओर ने घोर पुनरावृत्ति से शत प्रतिशत प्रतिरक्षा की गारंटी प्राप्त होती है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा यहाँ पर सुत गोस्वामी द्वारा शौनक आदि मुनियों की जिज्ञासुओं की प्रशंसा उनकी दिव्य प्रकृति के आधार पर की गई है। जैसे कि पहले कहा जा चुका है केवल भगवत भक्त ही उनकी एक समुचित सीमा से जान पाते हैं, अन्य कोई नहीं जान पाता। अतएव भक्तगण समस्त आध्यात्मिक ज्ञान से पूर्ण रूप से ज्ञात होते हैं। परम सत्य का अंतिम पड़ाव भगवान ही है। निराकार ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा भगवान के ज्ञान में सम्मिलित है। अतः जो भगवान को जान सकता है
वह उनके विषय में उनकी नाना शक्तियों तथा उनके अंशों के विषय में ही में स्वतः ही सब कुछ जान लेता है। अतएव भक्तों को परम भाग्यशाली सफल कहा गया है। भगवान का शत प्रतिशत भक्त जन्म मरण के चक्र के भयानक भौतिक तापों के प्रति निश्चेष्ट रहता है। हरे कृष्ण, बहुत सुंदर माता जी, कितना सुंदर रीड किए है ना। अथेह धन्ना भगवंत इत्थम जद वासुदेवे खिल लोकनाथे कुर्वन्ति सर्वात्मकम् आत्मभावम् न यत्र भूय परिवर्तनम्। गुस्सा में बता रहे। तो चलिए, हम लोग क्लास शुरू करने से पहले कल हम लोग जो कुछ डिस्कस किए थे क्लास में, थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे नंद किशोरी माता जी वर्णन करेंगे कल के क्लास में हम लोग क्या चर्चा की थी। सर प्रभु जी, कल के क्लास में तो पहले ही बताए थे कि जो बिना हिचक आबोध रूप से भगवान अपने हाथों में चक्र रथ चक्र धारण करने वाले भगवान की चरण कमलों में जो सेवा करते हैं, वे भगवान पूर्ण पूर्ण रूप से नाम शक्ति और दिव्य प्रदान करते हैं जी। प्रभु जी इतने बता पाएंगे। ठीक है माता जी। पीएम सिंह प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्राण मोहन प्रभु जी, आज देखे नहीं है प्रभु जी, इसी तरह याद कर थोड़ा सा ही करके बोल। अच्छा है, ये अनुभव आप बताए, ऐसे ही अनुभव बताना चाहिए देख देख के ना। तो अब चलिए हम लोग विश्वनाथ प्रभु जी थोड़े बताए बुला रहे हैं कि हमारे कल की कथा का सार पूरा प्रसन्न चित्त मुद्रा से, पूरा नृसिंह देव का मूर्तिमान स्वरूप से भक्तों के सामने कल की कथा प्रसंग को बताए। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। कल भागवतम का प्रथम स्कंद तृतीय अध्याय का 38 नंबर श्लोक में वर्णन हुए है। 38 नंबर श्लोक जो है वो सवेद धातु पदवीम परस्य, मतलब ये जो इसका अर्थ दिया हुआ है, ये अर्थ में से ही तो बोलता है जो परम पराक्रमशाली रथ चक्रधारी भगवान श्री कृष्ण का पाद पद में अनुकूल भाव से अहेतुक प्रेम भक्ति में सेवा परायण रहते हैं, वे ये जगत सृष्टिकर्ता जो है उसका पूर्ण महिमा पूर्ण शक्ति उसका बारे में सब कुछ, उसका दिव्य भाव उसका दिव्य जन्म सब कुछ बारे में उसको अवगत हो जाता है। ये है इस श्लोक का, श्लोक में ये सब दिया है। ये देखिए सवेद धातु, ये जो पदबिंब, पदबिंब का अर्थ ही होता है जो वो परम पदबिंब, उसका बाद में पुणे पदबिंब पुणे दुरंत वीरजस्य रथांग, रथांग बोले तो रथ चक्र दुरंत वीरजस्य परम पराक्रमशाली, ये है अनुवत्ता भजेत तद पाद सरोजगंधय, ये सब श्लोक में दिया है। लेकिन इसका ये इसका बात ये तात्पर्य में प्रभु बोल रहा है, ये भगवान को जानने के लिए ये शुद्ध भक्त ही उसको जान सकते, जिसको वो परम शुद्धता का साथ भगवान का सेवा में निरंतर लिप्त रहते हैं, भगवान का सेवा में शुद्ध भक्तवान परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण का अपराध अपराकित नाम रूप और उसका जो महिमा, ये सब शुद्ध भक्त जान सकते हैं, क्योंकि ना ये पूर्ण मात्रा में समर्पित होके
भगवान का सेवा में लिप्त रहते हैं। और इसके बाद ये जो सेवा है ये कोई शत्रुता के में मतलब प्रत्यक्ष और परोक्ष सेवा भी है, अनुकूल प्रतिकूल सेवा भी है। तो ये प्रत्यक्ष और परोक्ष सेवा जो है इसमें प्रत्यक्ष सेवा में और अनुकूल सेवा जो करते हैं वो भगवान का संतुष्ट कर पाता है, सबसे उसको मुक्ति मिल जाता है, उसको ये जड़ भौतिक बंधन जो है ये भौतिक बंधन से उसको जल्दी जल्दी से मुक्ति मिलता है। और परोक्ष भाव और जो प्रतिकूल भाव में जो भगवान का सेवा तो सब लोग करते हैं, कोई भी प्राणी सभी जीव को भगवान का सेवा करना है, लेकिन ये सेवा जो है ये सेवा में से वो किसने कौन सा प्रकार का सेवा कर रहे हैं वो है, वो उसका कारण से वो आप उदाहरण एक दो दिए थे, जैसा रावण वो प्रतिकूल सेवा किए थे तो वो शत्रु का रूप में आया, हिरण्यकशिपु वो भी प्रतिकूल सेवा में था। तो ये सब भगवान का ही लीला है, ये आखिरी में उसको फिर से इस धराधाम से मुक्त करके फिर गोलोक वृंदावन में लेके गया उसको भी, लेकिन वो भी भगवान का सेवक था, ऐसा नहीं है जो वो प्रतिकूल, लेकिन ऐसा प्रतिकूल में जो करते हैं तो उससे अनुकूल वाला जो सेवा है वो सेवा सबसे अच्छा, ऐसा भगवत कह जाते, ऐसा हमारा प्रभुपाद ऐसा कहते हैं। तो ये स्वयं शुद्ध भक्तों का ये जो भगवान, जब शुद्ध भक्त अनुकूल भाव से भगवान का सेवा करते हैं तो उसको भगवान ने, परमेश्वर भगवान ने उसको खुद को रास्ता दिखाता है कैसे वो भगवत धाम में जा सकते। यही है काल का श्लोक का यही सार मर्म, यही था। हरे कृष्ण प्रभु, इतना स्मरण रख के हम सबको आप पुनः कल के भागवतम का भी 5 मिनट में सार सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए इसके बाद हम लोग वैष्णवी राधा माता जी के मुख से श्रवण करेंगे, कल जो हम लोग क्लास किए उसमें से माता जी का जो अनुभव है वो थोड़ा व्यक्त करेंगे। इस श्लोक में भगवान की सेवा तो हर एक जीव करता है, यानी कि व्यक्ति करता है, पर कोई कोई प्रतिकूल भाव में करता है ढंग से करता है, कोई अनुकूल ढंग से करता है, और जो अनुकूल ढंग से करता है वो अनुकूल अपने मनगणत नहीं करता, तो किसी आचार्य के निर्देशन में प्रत्यक्ष सेवा करता है, अपने मनगणित नहीं करता, तो उनकी इसीलिए उनकी सेवा जो है वो अनुकूल है। तो अनुकूल सेवा करके उनको फल क्या मिलता है, तो ऐसे भगवत भक्त के, शुद्ध भगवत भक्त के निर्देशन में का सेवा करने से वे अध्यात्म के गुह्य क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं। मगर जो प्रतिकूल भाव से सेवा करते हैं वो क्या करते हैं, वो इतना रहस्य नहीं जान पाते, सेवा तो करते हैं मगर मनोधर्मी लोग जो है वो अंधकार में पड़े रहते हैं। हाँ, तो और एक बोला है कि जो भक्त या जो भगवान स्वयं जो शुद्ध भक्तों के निर्देशन में सेवा करते हैं उनको ऐसा मार्ग देते हैं, उसके कारण उनको साक्षात्कार के मार्ग की ओर स्वयं भगवान ले जाते हैं उनके माध्यम से, शुद्ध भक्तों के माध्यम से। मगर जो मनोधर्मी लोग है वो भगवान की ओर न बढ़ते हुए अंधकार में पड़े रहते हैं। तो भगवान के धाम में प्रवेश करने का यही रहस्य है कि जो भी सेवा करे हमें अनुकूल भाव से करे, और हमारे मनगणत न करते हुए शुद्ध आचार्यों ने जो हमें निर्देशन दिया है उसके निर्देशन में और उनके आज्ञा के अनुसार यदि हम गुरु साधु शास्त्र ये त्रिकोण में रहकर हम करते हैं तो
तो हम क्या करते हैं, भगवान की ओर हमें भगवान ले ले जाते, ऐसा बोला। बहुत सुंदर माता जी, चलिए इतना सुंदर अनुभव बताए, तो हमारे गीता माता जी भी हमारे साथ है, अभी ज्वाइन किए, माता जी शादी पार्टी में गए हैं भिलाई में, तो माता जी बोले कि हमारे वैष्णवी माता और उनकी बेटी जब आए तो मैं भी थोड़ा दर्शन करूं, इस भाव से माता जी शादी के वहां से ही शायद माता जी जूम में ज्वाइन हुए। तो हरे कृष्ण गीता माता जी, आप जहाँ कहीं भी है माता, हमारे स्टेज में आने की कृपा करे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे बोल हरे बोल हरे कृष्णा। आपका आप बहुत खुशी हुई नए आप ज्वाइन हुए हैं, आज प्रभु जी का फोन आया था मुझे सुबह, तो आप दोनों माताओं के बारे में बताएं, आप थोड़े देर के लिए सही बिल्कुल आप आइएगा उनसे इंट्रोडक्शन के लिए। तो मैंने अभी बस जस्ट एंट्री की और आके पहले लैपटॉप ऑन की हूँ। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी वैष्णवों को, दंडवत दंडवत। हम लोग जी क्या बोले, कहाँ चली गई, ज्वाइन माने जूम में नहीं आ रही है, हाँ, पता चल रहा है कि शादी में गई है जी। वो क्या है माता जी, हमारी जो भैया है ना, भैया के बेटियों बेटी की शादी हो रही है, तो अभी कल है शादी, तो आज हल्दी वगैरह हुआ था, वो करके अभी हम आए हैं, आते साथ मैं तुरंत आप लोगों का दर्शन पाना चाह रही थी, जल्दी जल्दी आकर के अभी जल्दी फोन करी हूँ। शुरू हो गया है आप लोगों का, शुरू हो गया होगा शायद जी जी, लेक्चर तो अभी शुरू हो गया है, आप जो पढ़ेंगे, लेकिन आपका वाला हमारे वैष्णवी राधा माता जी पढ़ दिए, गीता माता जी गीता की वैष्णवी राधा रानी आ गए, भगवत गीता भागवतम गीता भागवत रामायण यही हमारा ग्रुप में है सभी वैष्णवी, भगवत गीता विश्वनाथ काशी है ना, प्राण मोहन कृष्ण नंद किशोरी माता जी भगवान के भक्त है ना? भगवान के नाम है सभी के, विभा का अर्थ प्रकाश शायद लक्ष्मी बोल रहे हैं, विभा प्रकाश। चलिए बहुत सुंदर, तो आप ड्यूटी में है प्रभु जी, थोड़ा सा बंधन रहता है। माता जी आपकी बेटी को भी थोड़ा दर्शन कराइए गीता माता जी से, इंट्रोड्यूस इंट्रोड्यूस। हाँ एक मिनट है, एक मिनट है, प्रभु जी उनको बुला लेती। दर्शन करा नवीन माता जी, विभा का अर्थ प्रकाश, गुड ठीक है, यस 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 प्रभु जी। चलिए आप दोनों एक साथ, तो राधा रमन को प्यार करते हैं ना, इसीलिए आप लोग का एक ही ज्ञान है, वो भी राधा रमन लाल को प्यार करते हैं और आप भी राधा रमन लाल को प्यार करते हैं, है ना, दोनों का एक ही प्रेमी राधा रमन लाल वृंदावन बिहारी लाल। तो गीता माता जी देखिए, हमारे कल जो माता जी ज्वाइन किए ये आपके बीच में आ गए है, थोड़ा इंट्रोड्यूस कीजिए। हरे कृष्णा, कैसे हो आप, कहाँ के हो, कहाँ से हो? माता जी हम लोग पुणे से है, अभी गए एक महीने मायापुर के शरण में आए। ऐसे क्या है गुड़ी, एक मिनट आओ तो बेटा, ये हमारे नाती। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे बोल फ्रेंड, हरे बोल। ये बेटी छोटी वाली अभी इसकी शादी दिसंबर में है। हरे कृष्णा, मेहंदी लगाई अभी आई है, जस्ट फ्लाइट से आई है, वहाँ हल्दी में अटेंड करी और अब बस अभी आई है, जस्ट हम लोग अभी घर आए, हमारे घर में आए दुर्ग में। चलिए सभी बड़ी वाली नहा रही है, बेटी का क्या नाम होता है? हरे कृष्णा, आपकी बेटी का नाम क्या है? निशा, निशा निशा, हाँ निशा मतलब रात्रि, लेकिन रात्रि जैसा अपना जीवन को नहीं व्यतीत करना है,
भगवत गीता प्रकाश में अपने जीवन को व्यतीत करना है। निशा मतलब रात्रि मतलब सोना, तो अपने जीवन को सोने में मत बिताना, अपने जीवन को भागवत भावना में करना, लाइक योर मदर। नहीं नहीं सोने का तो टाइम ही नहीं मिलता है। वही देखिए वो दोनों माँ बेटी कितना सुंदर भक्ति में जीवन कर रहे हैं। वो जो माता वैष्णो भी रहता उनकी बेटी है ये, उसी प्रकार आप गीता माता जी की बेटी है, तो दोनों इसे आपको आदर्श आइडियल एस्टेब्लिश करना है भविष्य में, ठीक है, अभी से शुरू करना है। मैं करती हूँ, मैं पूजा करती हूँ, मैं तब है, मेरे हॉस्टल में भी मैंने भगवान जी को रखा हुआ है, ठीक है। अभी इनको थोड़ा रीडिंग करना है, कुछ बुक्स रीडिंग करना है, स्पिरिचुअल बुक भगवत गीता जो आपको शादी के टाइम जो, जो गिफ्ट देंगे ना उसका हमेशा जीवन भर, ठीक है जी जरूर। क्योंकि देखिए आप सबके सामने आप प्रॉमिस कर रही है, यूट्यूब में रिकॉर्ड हो रहा वीडियो, जिस समय आपको सेंड करेंगे 5 साल बाद ये वीडियो, आप प्रॉमिस किए थे सामने बोले कि हम हमेशा रीड करेंगे, उसको पालन करना है, ठीक है निशा जी जरूर, ठीक है, बहुत सुंदर, हरे कृष्णा। हरे इधर आ, एक बार हरे कृष्णा अच्छे से बोलो, हरे कृष्णा कृष्णा, वो नहा रही है प्रभु जी, नहीं नहीं आपको नहीं, रेवती अपने पति को खिलाए ना बलराम को खिलाए ना प्रसाद, वो कल पापा को वही बोल रही थी कि प्रभु जी ने बोला है बलराम जी का नाम नहीं लिखा है। वैसे मीरा भाई जब छोटी थी ना तो मीरा की मीरा बोले उनकी माँ को, माँ ये किसकी शादी पार्टी बैंड बाज रहे है, बोले कि आपकी दीदी की, तो मीरा भी शादी होगी क्या, बोले कि यस, तो किसके साथ, तो गिरिधर गोपाल जो छोटा था भगवान का विग्रह, बोले ये तुम्हारा पति, तो तब से अपने जीवन में अपना पति मान लिए और जीवन के आखिरी दम तक उसको अपना गिरिधर माना, तो उसी प्रकार आपकी रेवती को भी बलराम के साथ शादी कराना, ठीक है ना, बलराम की पत्नी का नाम रेवती है तो इनका भी नाम रेवती है, तो क्यों ना बलराम से प्यार करें, सबसे बेस्ट होगा। कृष्ण बलराम हम सभी भक्तगण एक बार जाएंगे वृंदावन कृष्ण बलराम मंदिर, बलराम के साथ उनका संबंध स्थापित करके आ जाएंगे, क्या विश्वनाथ प्रभु आपका क्या राय है इसमें? ठीक है, हम जड़ जगत से कितना उद्धार पाते हैं उसका, जड़ जगत में पहले घुसना है उसका बात तो कहा जा रही है, देखना है उसका बात, बलराम को पाने का आशा मन में रखना है, लेकिन तो बलराम है ना, तो मन में आशा रखना है, रख के आगे बढ़ना है, तो फिर देखना है माया उसको कितना पकड़ता है, ये भौतिक जगत में माया उसको कितना पकड़ के रखते हैं, माया का बंधन में कहां तक वो फंसती है, फास माया का बंधन से फंस उभर पाते तो ठीक है, बलराम जी को मिलेंगे, मिल जाएगा। वेरी नाइस, कृष्ण बलराम एक ही है प्रभु, कृष्ण जो है वही बलराम, मैंने ऐसा बोल सकते जो बलराम को मिलेगा हम ढूंढ के उस बलराम को दे देंगे, ऐसा नहीं बोल सकते, वो उसका भौतिक जगत में इस बंधन से कितना उभार पाए, कितना रूपी में लीन हो पाए, उसका ऊपर वो आगे होगा, अभी तो ये अभी से शुरू करने से तब तक चलेंगे, आशा रखना है, अभी से शुरू करेंगे तो मन में आशा रख के चलना, हाँ ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो हमारे पीएम प्राण मोहन प्रभु जी कल की क्लास का कुछ ओवरव्यू देने वाले थे प्रभु, प्रभु जी लोग दे ही दिए, फिर भी आपको कुछ देना है, ये देखिए हमारे वैष्णवी राधा माता जी
वो सबसे फास्ट डिवीजन होने के लिए पूरा तात्पर्य को पांच बार करके रीडिंग कर रहे हैं, ताकि मैं जो भी ओवरव्यू दू एकदम फर्स्ट क्लास होना चाहिए। तो इसी तरह लगे रहना, माता जी से सीखना है कि प्रभुपाद के बुक से, प्रभुपाद के ग्रंथों को कितना प्यार करना है, माता जी से सीखना है। लगे हुए हैं धीरे धीरे। लगे रहने से एक दिन हम लोग अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर पाएंगे, जैसे हमारे विश्वनाथ प्रभु इंडिकेट किया कि अभी से अगर ट्राई करेंगे तो एक दिन बलराम प्राप्त होगा, नहीं तो माया तो अगर बोलेंगे जब जवान हो जाएंगे या जब मेरा उम्र होगा तब भगवान से प्यार करेंगे, जब वृद्धावस्था आएंगे, अभी थोड़ा मेटेरियल एंजॉयमेंट कर लेते हैं उसके बाद भक्ति करेंगे, तब तो नहीं होगा, अभी से ही प्रैक्टिस करें। तो ठीक है प्रभु, और हमारे अरे बाबा बार बार के मैं नाम को भूल जा रहा हूँ, वैष्णवी राधा माता जी का ही नाम उठ रहे, गंधर्व का गिरिधारी ना गिरी अविश्वधारिणी माता जी। तो विश्वधारिणी माता जी भी ओवरव्यू में कुछ बोलेंगे कल के क्लास का कुछ सार, एनीथिंग। हरे कृष्णा, अभी तो उनका प्रसाद होना बाकी है। वो अभी प्रसाद नहीं पाए, ठीक है तो श्रवण करे, आराम से श्रवण करे, वो दूसरे दिन देंगे। गीता माता जी कुछ बोलेंगे क्या? हाँ थोड़ा सा, मैं थोड़ा सुनी थी वो बता देती हूँ। हरे कृष्णा, आपने बोला था कौन व्यक्ति है उनके भगवान का जो महिमा दिव्यता को समझ सकता है, कौन है ऐसा व्यक्ति? तो जो व्यक्ति भगवान के चरणों चरण कमलों के अनुकूल सेवा करता है। और आप अनुकूल और प्रतिकूल के बारे में बताए थे, प्रतिकूल और अनुकूल क्या? अनुकूल मतलब अपने फेवरेट, हाँ अपने इसमें भगवान के साथ प्रेम करना, भगवान के चार रस है, पांच गौण अनुकूल है उसमें मुख्य है, जैसे कि यशोदा माता भगवान के लिए प्रसाद बनाती है, वो जब गाय चराने गए थे तो उनके लिए लंच तैयार करती है, राधा रानी गोपियां उनके लिए जो सेवा करती है वो सब अनुकूल फेवरिज्म में आता है। और प्रतिकूल बोले तो रावण का वीर रस बताए थे, भगवान को कुछ एक्सरसाइज होना चाहिए, सभी भक्त लोग उनको प्रेम करते हैं तो बोले उनको कुछ एक्सरसाइज, उनको कुछ व्यायाम होना चाहिए भगवान को, तो शत्रुता के रूप में सेवा करते थे, तो भगवान उसको भी प्रेम प्रतिकूल के माध्यम से बताए। तो पूतना आई थी दूध पिलाने के लिए, लेकिन भगवान ने पूतना को किस रूप में, किस भावना से देखा? जो भी है, जो ये मुझे दूध तो पिला रही है, कम से कम हो सकता है, मतलब कृष्ण को मारने का उसका इरादा था, लेकिन उनका जो उद्देश्य इरादा क्या था? माँ है वो, क्या दूध पिलाती है, तो वो अनुकूल और प्रतिकूल का अच्छा ये बताए थे आपने। फिर उससे एक एग्जांपल और बताए थे, हीटर और फ्रिज, हीटर मतलब गर्म करता है, फ्रिज मतलब ठंडा करता है, वो करंट माध्यम जो है शक्ति का, वो भगवान के इससे तात्पर्य में जुड़ा है, मतलब कि करंट एक ही है, भले वो ठंडा करता हो चाहे गर्म करता हो, उसी प्रकार भगवान भी वही है। तो बहुत सुंदर, मतलब आप उसका विवरण किए थे, वो मुझे अच्छा लगा तो मैंने वो ये करी थी। फिर मानसिक तत्व बताए थे आपने, तर्क वितर्क वाला, कौन व्यक्ति तर्क करता है? तर्क वह व्यक्ति करते हैं जो अज्ञानी है। और उसमें आपने दिग्विजय पंडित तर्क किए थे हमारे महाप्रभु जी के साथ, तो उनने कुछ जवाब नहीं दिया, नहीं हम तो आपके सामने बहुत छोटे हैं, ये बताया था उसमें भक्ति, उसमें क्या क्या बोले थे, भवानी भरता, हाँ भावा, हाँ वही नहीं शिवानी भरता, मतलब कि शिव की पत्नी के पति, ऐसा कुछ तर्क किए थे। yes. तर्क वितर्क तो अज्ञानी लोग करते हैं, यमुनाचार्य जी तर्क नहीं किए थे। फिर आपने सकाम और अकाम के बारे में बोला, सकाम मतलब अपन कुछ उद्देश्य से कुछ धन प्राप्त करने के लिए या कुछ हमारा मनोरथ प्राप्त पूरा करने के लिए हम जो कार्य भगवान का सेवा में करते हैं उसका उद्देश्य पीछे रहता है कि हे भगवान मुझे ये कर दे रहा तो मैं आपका सेवा कर रहा हूँ, तो उसको सकाम बोलते। अकाम मतलब निस्वार्थ बिना उद्देश्य का कुछ भी कृष्ण के लिए सेवा करना, जैसे सुदामा गरीब था जरूर, 6 दिन बाद उनको चावल मिला था बताए थे,
उसने दो दाना भगवान के लिए अर्पित किए थे, लेकिन फिर जब उनको जब कृष्ण से मिलने गए थे उसके बाद जब उनके लिए राजमहल बनाया गया तो क्या हुआ था, वो बोले नहीं पहले सभी लोगों के लिए बनाओ उसके बाद हमारा घर बनेगा। तो मतलब वो मतलब मानसिक तत्व था वो। हरे कृष्णा, इतना ही सुनी थी आपने। ये हमारे साथ क्लास में ज्वाइन भी नहीं करते लेकिन पूरा कल के क्लास का सार बता दिए। इसे कहते हैं एक्सलेंट ओवरव्यू। बिना नोट किए हुए कल हमारे साथ नहीं थे लेकिन यूट्यूब में सुनने के माध्यम से माताजी पूरा चीज को बता दिए। तो माताजी गीता माताजी से इसके माध्यम से हम लोग को क्या सीखना है माताजी के इस एक्टिविटीज के माध्यम से, कि हम लोग क्लास ज्वाइन करें या ना करें क्लास को मिस नहीं होने देना है। अगर जूम में छूट गया लेकिन यूट्यूब में नहीं छूटना चाहिए। जो उदाहरण दिए थे एक बार कि किसी गांव में तालाब रहता है लेकिन वर्षा का पानी इतना हो कि मछली जो है ना मछली निकल जाता है तालाब से, तो दो जाल एक जहां पे आड़ बोलते हैं ना जो तालाब का जो आड़ है जहां से मतलब क्या बोलते हैं टूट जाता है वो, तो वहां से पानी आता है। फिर वहां पे एक जाल बिछाया रहता है और फिर एक खेत के साथ एक जाल, अगर एक जाल से मछली छूट भी जाए तो सेकंड जाल से छूट नहीं पाएगा। उसी प्रकार जूम क्लास में अगर छूट भी जाए नित्तम भागवत से वया, लेकिन यूट्यूब से छूटने नहीं देना। ये हम लोग को गीता माता जी से सीखना है और ये बहुत सभी भक्तगण इसका यूज करते हैं। हमारे विश्वनाथ प्रभु जी उस दिन बांकुड़ा शहर गए थे लेकिन घर में नहीं थे, ऐसे एक हाथ में मोबाइल है ऐसे सुन रहे नारद भक्ति दर्शन। हाँ ये सब्जी कितना, बैगुन कितना किलो, आलू कितना किलो, हाँ छड़ है सीमेंट 50 पैकेट चाहिए। तो ये जो है ना भक्त जो है ना हर परिस्थिति में, जैसे हमारे राकेश कुमार राय प्रभु जी, तो यहाँ पे उपस्थित जितने सारे भक्तगण सब एक्सलेंट है, अपने बुद्धि का उपयोग करते हैं कृष्ण सेवा में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं हमारी आज की श्रीमद भागवतम के प्रथम स्कंध के तृतीय अध्याय का श्लोक संख्या 39। ये छोटा तात्पर्य जो है हम लोग नेक्स्ट श्लोक भी पढ़ सकते हैं, देखते हैं। धन्य भगवान तीर्थम, अर्थात कि संसार में केवल ऐसी जिज्ञासाओं द्वारा ही मनुष्य सफल तथा पूर्णतः ज्ञात हो सकता है, क्योंकि ऐसी जिज्ञासाओं से अखिल ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान के प्रति दिव्य आह्लादकारी प्रेम उत्पन्न होता है। जन्म मृत्यु की घोर पुनरावृत्ति से शत प्रतिशत प्रतिरक्षा की गारंटी प्राप्त होती है। ये कौन किसको बोल रहे हैं? सूत गोस्वामी नैमिषारण्य के तट पर 88,000 ऋषि मुनियों को बता रहे। जो हम लोग प्रथम स्कंध का जो पहला अध्याय है वो अध्याय का नाम क्या है? मुनियों की जिज्ञासा, ऋषियों की जिज्ञासा। तो ऋषियों ने क्या क्या जिज्ञासा किए थे हम लोग इसका ऑलरेडी परीक्षा भी ले चुके हैं। हाँ, किस प्रकार ये भगवान के इतने सारे अवतार है, भगवान के अवतार का प्रयोजन क्यों है, विश्व सृष्टि का प्रयोजन क्या है, इस तरह जितने प्रकार का प्रश्न होना चाहिए तो सब तरह का प्रश्न वो पूरा अध्याय जो है ना प्रश्न किया गया है सूत गोस्वामी से। सूत गोस्वामी अभी सेकेंड चैप्टर से मतलब द्वितीय अध्याय से चालू किया है जो भागवतम के द्वादश स्कंद तक पहुंचे। एक अध्याय का प्रश्न पूरा 18,000 श्लोक का भागवतम। तो इसीलिए सूत गोस्वामी यहां पर अप्रिशिएट कर रहे, प्रशंसित कर रहे, मतलब प्रशंसा कर रहे कि इनको ऋषि मुनियों को, कि ऐसी जिज्ञासा, कैसी जिज्ञासा? कृष्ण संबंधित जिज्ञासा। जिज्ञासा तो बहुत सारा हो सकता है। अच्छा प्रभु कोरोना में कितना बंगाल में कितना मरे, ये भी एक जिज्ञासा है। अच्छा अभी सोना का भाव कितना है 24 कैरेट गोल्ड का, ये भी जिज्ञासा है, लेकिन ये कृष्ण संबंधित नहीं है, ये कृष्ण संबंधित नहीं है। तो सच्चा जिज्ञासा क्या है, कृष्ण संबंधित जिज्ञासा क्या है? जैसे कल हमारे विश्वधारिणी माता जी जो अंत में प्रश्न किए कि प्रभु जी असुर भी भगवान को प्राप्त करते हैं और जो भक्त है वो भी भगवान को प्राप्त करते हैं, तो व्हाट इज द डिफरेंस, इसका अंतर क्या है, कौन किसको क्या प्राप्त करते हैं? तो लक्ष्मी कितना सुंदर रिप्लाई किया कि
जो गोकर्ण थे, जब श्रीमद भागवतम का आयोजन किया गया था हरिद्वार में, हरिद्वार के कौन से जगह, हरिद्वार के कौन सा जगह, सुभद्रानी, तो वहां पर आयोजन किया गया था, तो गोकर्ण ही उद्धार हुए, वो सब क्यों नहीं उद्धार हुए, खैर बाद में उद्धार हुए, धुंधुकारी, धुंधुकारी उद्धार हुए, बाकी सब उद्धार क्यों नहीं हुए, क्योंकि धुंधुकारी जो है ना पूर्ण रूप से फोकस, उनका एकाग्रता था सुनने में, भागवतम को साक्षात भगवान मानते थे, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर भागवतम को साक्षात भगवान माने थे, जिसके कारण वो फल्गु बाबा उसको कुछ बिगाड़ नहीं पाए। लेकिन अगर हम लोग बोलेंगे भागवतम लेके कहीं पर जाने के भूत आया, अरे भागो करके हम लोग भूत को रख के चले जाएंगे, बोलेंगे पिस्तौल निकालना है या कुछ करना है या पुलिस को बुलाना है हमारा, ये इसको क्या बोलेंगे, अप्रत्यक्ष रूप से ये साधारण पुस्तक है। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर हमारे आचार्य जगन चैतन्य चरित में साक्षात चैतन्य महाप्रभु, श्रीमद भागवतम साक्षात कृष्ण, रामायण साक्षात भगवान रामचंद्र। तो ये जो भावना है, ये जो उच्च स्तर है, तो वही चीज धुंधुकारी ने ध्यान मग्न अवस्था से श्रीमद भागवतम को सुना। उसी प्रकार जो अच्छा सुनेगा वही अच्छा बोल पाएगा, वही अच्छा समझेगा, वही व्यक्ति भगवत धाम को प्राप्त करेगा। क्योंकि जब तक हम लोग समझेंगे नहीं अपने परीक्षा में तो उत्तीर्ण नहीं होंगे ना, और परीक्षा में जब तक उत्तीर्ण नहीं होंगे हम लोग भगवत धाम को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। क्योंकि भगवत धाम इस भौतिक ब्रह्मांड के दो व्यक्ति है, शिव और दुर्गा, शिव और पार्वती, दोनों का रिकमेंडेशन लेटर जब तक वीजा नहीं मिलता ना तब तक आप फॉरेन नहीं जा सकते, मतलब भगवत धाम नहीं जा सकते। हमारे पास पासपोर्ट है भक्ति का, भक्ति भक्ति जो है ना पासपोर्ट है, लेकिन वीजा है वैष्णवों की कृपा, और परम वैष्णव वैष्णवानाम यथा संभव, और परम वैष्णवी देवी दुर्गा है ना, देवी दुर्गा हम सब तक कलयुग में महाप्रभु आए 500 वर्ष पूर्व आए थे, उसके बाद हम लोग महाप्रभु के बारे में जान पा रहे, महाप्रभु को दर्शन कर पा रहे फोटो के माध्यम से या भगवान की महाप्रभु की लीला के माध्यम से। लेकिन दुर्गा देवी जब सत्य युग था, अभी कलि युग आया नहीं, सत्य तीर्था दापर कलि, सत्य युग में ही भगवान गौरांग महाप्रभु को दर्शन किए थे। हम लोग जब कभी जाएंगे राजापुर जगन्नाथ मंदिर, तो वहां पे सीमंतिनी देवी है, वो सीमंतिनी देवी कौन है, सीमंतिनी देवी है पार्वती देवी दुर्गा। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की इतने प्रिय भक्त है वो, इतने महान भक्त है कि सत्य युग में ही, अभी फिल्म रिलीज नहीं हुआ पहले ही उसको देखने को मिला थिएटर में, अभी बॉक्स ऑफिस में आने से पहले ही उसको दर्शन मिला। जैसे कोई मूवी जब रिलीज होता है तो पहले उसको सरकार को दिखाना पड़ता है ना, सरकार उसको रिकमेंड करेगा तब वो थिएटर में लगेगा। तो उसी प्रकार दुर्गा देवी इस तरह का सरकार है कि महाप्रभु जो मूवी रिलीज करेगा कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में जो लीला प्रकट करेंगे, उसका जो टेलर वो ऑलरेडी ट्रेलर ऑलरेडी वो सत्य युग में कर चुके थे। तो ऐसे महान वैष्णवी, ऐसे महान वैष्णवी, और भगवान शिव है महान वैष्णव, वैष्णवानाम यथा संभव। तो शिव और पार्वती इन दोनों का रिकमेंडेशन लेटर जब हम लोग को मिलता है तब हम लोग भगवत धाम जा पाते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग समझे कि ऐसी जिज्ञासा, और हम लोग ब्रह्म संहिता में वेदांत सूत्र में भी एक ही चीज समझे कि जिज्ञासा जो है ना, व्यक्ति जब तक जिज्ञासु नहीं होंगे तब तक वो भक्ति जीवन में प्रगति नहीं करेगा। भगवत गीता में भी वही श्लोक है, तद विद्धि पर निपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेक्षिन्ते ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त दर्शन। तद विद्धि, तद मतलब आध्यात्मिक, विद्धि मतलब जानो, तद विद्धि पर निपाते न परिप्रश्ने न सेवया, परिप्रश्ने का अर्थ होता जिज्ञासा, कि गुरुदेव के पास, आचार्यों के पास, वरिष्ठ वैष्णवों के पास जाकर हम लोग को क्या करना है, हमारे भक्ति की जो कमजोरी उसको बताना है कि प्रभु जी हम चाहते मंगल आरती उठना बट हो नहीं पाते, मैं रहती हूँ मायापुर में, रहता हूँ मायापुर में लेकिन फिर भी मंगल आरती नहीं जा पाता, कितने दुर्भाग्य है, कैसे किया जाए। तो यह है जिज्ञासा,
प्रभु जी सोलो माला जब करना चाहते लेकिन जॉब है ना उसी में मेरा टाइम चला जाता है, ऑनलाइन मेरा लैपटॉप का कुछ करना पड़ता है, अभी हम सोलो माला भी नहीं कर पाते क्या के? तो इस तरह का जिज्ञासा से व्यक्ति आचार्य जी उनको टेक्निक देता है ना, जो ऑलरेडी भक्त है उसको ये सब टेक्निक पता है कैसे क्या करना है अनुभव। इसीलिए जो व्यक्ति जिसके पास जितना अनुभव है वही व्यक्ति वो अनुभव दूसरों को बांट सकता है और उस अनुभव के द्वारा वो व्यक्ति प्रगति कर सकता है। हम लोग सेम थिंग उसी उदाहरण में आते भीष्म देव का, जब भीष्म देव वहां पर लेटे हुए है तो युधिष्ठिर महाराज बोल रहे भीष्म देव को, पितामह आप कुछ बताइए हमारे लिए अंतिम उपदेश। तो भीष्म देव बोले कि जब जोगेश्वर चक्रधारी जदुकुल शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे उपस्थित है तो मेरा इंस्ट्रक्शन का वैल्यू क्या है, मेरा जो निर्देश मेरा जो ज्ञान उसका मूल्य ही क्या है, जब कृष्ण है तो उन्हीं से ज्ञान लो हे पांडव। तो भगवान कृष्ण का क्या रिप्लाई था, भगवान कृष्ण बोले कि पितामह ज्ञान तो है मेरे पास परंतु अनुभव नहीं है। यद्यपि भगवान के साथ भगवान के पास क्या नहीं है, सब कुछ है, बट वो दिखाना चाह रहे जगतवासियों को कि व्यक्ति को भगवान ही क्यों ना रहे लेकिन अनुभव हर किसी से लेना चाहिए। और ये हम लोग घटना रामायण में भी देखे हैं, लक्ष्मण को बोले, ये पता है मामे गीता माता जी जो कुछ दिन पहले इसको बोले थे याद आ रहा है, भगवान रामचंद्र बोले लक्ष्मण को कि रावण के पास जाओ और कुछ अनुभव लेके आओ, विश्वनाथ प्रभु याद है, इसको याद है, ये तो 10-12 दिन पहले इसके बारे में उल्लेख किया, नंदकिशोर माता जी इसको याद है। हाँ तो चलिए फिर से रिपीट करते हैं। तो भगवान रामचंद्र क्या बोले लक्ष्मण को कि लक्ष्मण रावण के पास जाओ और जीवन का जो अनुभव है ना उनसे सीख क्या हो। तो लक्ष्मण बड़े दूर, कहां राक्षस और कहां मैं शेष अनंत शेष, बोले कि अरे जो भी मैं बोल रहा हूं आप जाओ। तो बोले कि ठीक है भैया का आज्ञा का पालन करना, रामचंद्र का आज्ञा का पालन करना। तो चले गए रावण के पास, ए रावण चलो अपना अनुभव दो। तो रावण से बात तक नहीं किया, रावण उसे बात तक नहीं किया। कब की बात है, जब रावण गिर गए, जब भगवान रामचंद्र उसको गिरा दिए मरणासन्न धाराशाही जब हुए, तब लक्ष्मण जाके बोले ए रावण दो मुझे कुछ ज्ञान दो। तो रावण कुछ बोला नहीं, लक्ष्मण रिटर्न आए तो राम भगवान रामचंद्र पूछे क्या कुछ मिला, बोले कि नहीं हो तो मेरे साथ बात ही नहीं किए। बोले कि घटना क्या हुआ बताइए, बोले कि मैं गया और जाके बोला ए रावण, तो बोले कि ऐसे ज्ञान नहीं मिलता रे छोटू मेरे अनुज, ज्ञान के लिए जिज्ञासु होना होता है, ज्ञान के लिए विनम्र होना पड़ता है। रावण की किस साइड में गए थे, बोले कि मस्तक के साइड, मस्तक साइड में जहां पर उनका माथा है सर है। बोले कि नहीं उनके चरण चरण साइड में जाओ, वो जहां पे उनका पैर है उस साइड में जाओ। बोले कि ठीक है, तो जाके गया हे रावण, ऐसे किया हे रावण अपने जीवन में आपने बहुत कुछ अनुभव प्राप्त किए तो मैं आपसे कुछ एक्सपीरियंस आपसे जानना चाहता हूं। तब रावण लक्ष्मण को ज्ञान देना प्रारंभ किया। बोले कि लक्ष्मण ऐसे में तो अभी मेरे पास उतना समय नहीं है ज्यादा कुछ बोलने का, लेकिन दो शब्द मैं आपको बोल रहा हूं, क्या है संस्कृत का स्वरूप, क्या शुभ्रम, मतलब संस्कृत का ऐसे श्लोक है मैं भूल गया कि शुभस्य शीघ्रम पहला हुआ, अशुभस्य काल हरणम, शुभस्य शीघ्रम, यस रावण ने बोला कि जो शुभ चीज है उसको तुरंत करना है और जो अशुभ चीज है उसको बाद में, जैसे हरिदास ठाकुर अपने जीवन में किया, माया देवी आए थे ना हरिदास ठाकुर के पास तो बोले कि आप भी युवक, यू आर सो ब्यूटीफुल मैन हैंडसम, आई एम ऑल्सो ब्यूटीफुल गर्ल, सो भाई क्यों नहीं हम दोनों थोड़ा आलिंगन करते हैं, थोड़ा आनंद उठाते हैं। तो हरिदास ठाकुर क्या बोले कि ठीक है
डोंट वरी वेट, आप थोड़ा इंतजार कीजिए। महाप्रभु मुझे इंस्ट्रक्शन दिया ना 3 लाख माला जप करने का, 3 लाख माला कंप्लीट होने तक आप इंतजार कीजिए, ठीक है। तो हरिदास ठाकुर हरि नाम जप किया, रावण क्या होता है लक्ष्मण को, शुभस्य शीघ्रम। और हम लोग नारद भक्ति सूत्र के मतलब जो दर्शन में क्या चीज बताए थे, प्रभुपाद क्या कोटेशन किया था, एक ग्राम में एक सभा बुलाया गया बैठक, और आपका 3 माला बाकी है, क्या करना है, पहले 3 माला जप करना है। तो हमारे आचार्यों से सीखना है, हरिदास ठाकुर रावण भी हमारे आचार्य है ना, वो तो लक्ष्मण को ज्ञान दिया ना, बल्कि शुभस्य शीघ्रम, जो अच्छा चीज है उसको तुरंत करना है, और अशुभस्य क्या बोले प्रभु जी फिर से घर बताए तो, काल हरणम, काल मने तो टाइम समय समय हाँ। समय ले लो, जो अशुभ काम है उसके हाँ। लिए समय बिता दे, टाइम हाँ। पास, यस पेंडिंग, ठीक है करते हैं, जब माला होने दो फिर माया देवी यहाँ पे वेट करो, मैं आपका इच्छा करूंगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट दिन आया तो माला जाप जाप, तो नेक्स्ट दिन आया माया देवी हरिदास ठाकुर के पास, तो हरिदास ठाकुर सेम रूल रावण का जो अनुभव लक्ष्मण को जो बताया तो वही चीज पालन किया, फिर बोल की देखिए क्या करूं, मैं मजबूर हूं, मैं महाप्रभु को वचन दिया हूं, और गुरु को जो वचन दिया वो सबसे पहला चीज है, बाद में जो कुछ आता है, और आप भी जब मेरे पास उम्मीद लेके आए हैं मैं उसको ठुकरा नहीं सकता, तो जस्ट वेट, बैठे रहो, मैं जैसे ही माला फिनिश हो रहा है आपको मैं फोन करूंगा, मतलब क्या बोलते है आपको बुला लूंगा। तो हरिदास ठाकुर अपना नाम सारा रात बीत गया, पूरा 12 घंटा बीत गया, हरिदास ठाकुर का माला ही खत्म नहीं हो रहा है, तो हे देवी प्लीज फॉरगिव मी, मुझे क्षमा करें, क्या करूं, ये हरि नाम मेरा कल आ जाना। तो फिर जब थर्ड दिन आया तो क्या हुआ, वो पूरी तरह से रूपा उदाहरण देते, लोहे को अगर अग्नि में रखेंगे तो लोहा लोहा नहीं रहता, वो आग बन जाते हैं, लाल बन जाते हैं, तो उसी प्रकार वो माया माया नहीं, वो ब्यूटीफुल गर्ल्स ब्यूटीफुल गर्ल्स नहीं, वो जोगमाया बन जाते हैं, और हरिदास ठाकुर का शिष्य बन गए। तो ये है हमारे आचार्यों से हम लोग को सीखना है कि कौन सा चीज को पहले पालन करना है और कौन सा चीज पेंडिंग में रखना है। तो ऐसी जीवा कि हर समस्या का हल है इस संसार में, इस संसार में जितने सारे प्रॉब्लम है प्रश्न है, श्रील प्रभुपाद एक पुस्तक में लिखे है पुनरागमन, कमिंग बैक द विविटेड से प्रकाशित है, तो प्रभुपाद उसमें एक कोटेशन एक लाइन लिख रहे हैं कि ऐसा कोई जीव नहीं है जिस प्रश्न का उत्तर वैदिक साहित्य में ना हो। प्रभुपाद क्या बोलना चाह रहे कि संसार में 84 लाख जीव जोनी है, उनमें से मनुष्य 4 लाख है, और 4 लाख में अभी अगर टोटल कैलकुलेट किया जाए तो मनुष्य की संख्या कितना है, 850 करोड़ जनसंख्या, तो सबका अलग अलग फीलिंग है, अपना अपना इमोशन है, अपना अपना बुद्धि, अपना अपना माइंड है ना, तो सबके माइंड में एक एक कुछ प्रश्न है, अरे मेरा जो प्रश्न है ना वो जगन्नाथ प्रभु कैसे उत्तर दे सकता है, मेरा जो प्रश्न है वो प्रभुपाद के बुक में कैसे हो सकता है, मेरा जो प्रश्न है गुरु महाराज लोग कैसे उत्तर दे सकते हैं, वो मेरे बारे में कैसे जानते, वो तो मुझे कभी जाने ही नहीं, किसी के मन में ये प्रश्न आ सकता है। तो श्रील प्रभुपाद वो पुनरागमन पुस्तक में लिख रहा है कि दुनिया में विश्व में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके प्रश्न का उत्तर वैदिक साहित्य में ना हो, अर्थात कंक्लूजन क्या निकला कि वैदिक साहित्य में समस्त प्रश्न का उत्तर उपलब्ध है, हम सबको जस्ट उसे स्टडी करना है, हम सबको जस्ट उसे अध्ययन करना है, इसीलिए यहां पर शुद्ध गोस्वामी सौनकादि ऋषियों को बताया कि क्योंकि ऐसी जिज्ञासाओं से क्या होता है, अखिल ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान कृष्ण के प्रति दिव्य आह्लादकारी प्रेम उत्पन्न होता है, और जन्म मृत्यु की घोर पुनरावृत्ति से 100% प्रतिरक्षा की गारंटी प्राप्त होती है। पूरा कौन फार्म दे रहे हैं, है ना, इसमें कोई वेटिंग लिस्ट RSC ऐसा नहीं, पूरा कन्फर्म टिकट, आप टिकट काट लिए IRCTC में, पूरा कन्फर्म, नो वेटिंग, नो RSC, है ना, ये कौन सूद गोस्वामी कन्फर्म टिकट दे रहे हैं,
तो हम सबको क्या करना है, वेटिंग लिस्ट में रहना है या कन्फर्म टिकट को काटना है? विश्वधारिणी माता जी का क्या कहना है, वेटिंग में रहना है या कन्फर्म टिकट में आना है? नहीं नहीं प्रभु जी, यही एक जन्म मिला है मनुष्य, कन्फर्म टिकट में। हाँ यस, हमारे आचार्य सुत गोस्वामी हमारे लिए कन्फर्म टिकट भगवत धाम जाने का पूरा रिजर्वेशन कर दे रहे हैं। तो हम सबको इसे पूर्ण रूप से समझना है और आगे बढ़ना है। तो देखिए भागवतम, ये भागवतम के डिस्कशन में क्या है ना, साक्षात भगवान प्रकट होते हैं। हम भी माया द्वारा प्रभावित है, आप भी माया द्वारा प्रभावित है एवरीबॉडी, किंतु जब भागवतम का डिस्कशन है तो भगवान स्वयं अपनी वाणी किसी न किसी भक्त के माध्यम से प्रकट कर देते हैं। इसीलिए भागवतम क्लास इंपॉर्टेंट है एवरीडे, एकदम भागवत समय है ना। हम लोग सोचते कि ओ प्रभु जी क्या क्लास देंगे, वो उनके तो बीबी है, हम सन्यासी का क्लास सुनेंगे। नहीं, भागवतम अलग चीज है। भागवतम कोई सन्यासी या ब्रह्मचारी या गृहस्थ नहीं बोलता, भागवतम खुद बोलता है। भागवतम की क्लास में भागवतम स्वयं अपना प्रकाश करते हैं, इसीलिए श्रद्धा पूर्वक हम लोग उसे सुनना है। तो यहाँ पर सुत गोस्वामी क्या किए, सोनक आदि मुनियों की जिज्ञासाओं की प्रशंसा उनकी दिव्य प्रकृति के आधार पर की गई है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, केवल भगवत भक्त ही उनको एक समुचित सीमा में जान पाते हैं, अन्य कोई नहीं जान पाता। अतः वे भक्तगण समस्त आध्यात्मिक ज्ञान से पूर्ण रूप से ज्ञात होते हैं। जो भक्त होते हैं ना, वही संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। जैसे आज एक प्रभु जी से मैं बात कर रहा था कलकत्ता के, तो वो बोल रहे थे उदाहरण दे, प्रभु जी हम लोग जो भागवत कथा करते हैं ना, हम लोग व्याकरण पढ़े, छंद पढ़े, संधि विच्छेद पढ़े, ये पढ़े वो पढ़े, तब तो इतना सुंदर भागवत कथा दे पाते हैं। लेकिन विषय वस्तु ये है, श्री प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि व्याकरण की दृष्टिकोण से ये शंकराचार्य भी ये बात बोले कि भज गोविंद भज गोविंद भज गोविंद मूढ़मते, ऐसे एक श्लोक में। और आगे जो क्या श्लोक है हाँ, तो उसमें अनुवाद क्या बता रहे, तो शंकराचार्य बताना चाह रहे कि एकमात्र गोविंद की भजना करो, गोविंद की भजना करो, गोविंद की भजना करो, मतलब भगवान गोविंद की भक्ति करो, एक तुम्हारे वाक चातुरी से आप इस संसार से उद्धार नहीं, इस भव संसार से पार नहीं हो पाएंगे। तो शंकराचार्य ये अंत में जब भगवत धाम चले गए तो उस समय क्यों बोला, सारा जीवन भर तो शंकराचार्य मायावाद का प्रचार किया, निराकारवाद का प्रचार किया। क्यों प्रचार किया, क्योंकि भगवान विष्णु उनको इंस्ट्रक्शन दिए थे, पद्म पुराण में वो उल्लेख है श्लोक, मायावादम अस शास्त्रम प्रच्छन्नम बुद्धम उच्यते मयैव कल्पितो कलो ब्राह्मण रूपिणः। हाँ, तो जो भी है अनुवाद जो है ना उसका, कि मायावादम असत शास्त्र, मायावाद क्या है, असत शास्त्र है। असत मतलब क्या है, सत का अर्थ होता है इटर्नल, हमेशा, नित्य, सनातन, और असत का अर्थ होता है टेम्पोरारी। तो मायावाद क्या है, असत शास्त्र, मतलब टेम्पोरारी मेडिसिन है। क्योंकि बौद्ध जो है ना, बौद्ध तो पूरी तरह, बुद्ध देव जो पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया था वेद को, तो पूर्ण रूप से रिजेक्ट कर दिया वेद को, तो तुरंत तो इमीडिएटली तो भगवान कृष्ण या भगवत गीता को तो नहीं ला सकते। इसीलिए क्या करना है, क्रमागत, जैसे हम लोग घर में, जो घर में प्रिंट होता है ना, घर में क्या होता है, प्रिंटर, पेंटिंग, तो पहले क्या करते हैं, उसको प्राइमर मारते हैं, प्राइमर मारने के बाद फिर एक बार पेंटिंग करते हैं, और पेंटिंग फिर उसका क्या बोलते हैं, फाइनल प्रिंटिंग करते हैं डबल। तो रंग जो है ना, रंग दो बार लगाते हैं, और प्राइमर जो है उसे एक बार लगाया जाता है। तो अगर बिना प्राइमर लगा के अगर डायरेक्ट फाइनल प्रिंटिंग करें तो क्या संभव है, पीएम सिंह प्रभु जी का क्या कहना है, ये संभव है, फिनिशिंग नहीं आएगा प्रभु जी। हाँ, फिनिशिंग नहीं आएगा, फिनिशिंग नहीं आएगा। तो जिसके कारण पहले वेद के नाम से तो बहुत कुछ पशु हत्या होता था, तो भगवान बुद्ध देव आया इसीलिए ताकि वेद को अगर रिजेक्ट ना किया जाए तब तो लोग पशु हत्या और बढ़ाएंगे, अरे वेद में लिखा है क्यों ना करो,
ठीक हो इतना करे। तो इसीलिए भगवान बुद्ध क्या किया, मैं आपके वेद को नहीं मानता, मैं अहिंसा को विश्वास करता हूं। और सभी लोग वेद को रिजेक्ट किया और बौद्ध बन गए। तो अभी भगवान सोचे कि वेदों का उद्देश्य क्या है, वेद के द्वारा भगवान को जानना है। वेदस्य सर्वे अहम् एव वेद्यः वेदांत कृत वेद विदेवे चाहम, कि वेदांत का उद्देश्य क्या है, वेद का अर्थ क्या है, भगवान को जानने का। अगर वेद न रहे तो भगवान को लोग कैसे जानेंगे, इसीलिए भगवान ने सोचा। अभी प्राइमर तो हो गया, अभी टेस्ट पेंटिंग करेंगे। फाइनल प्रिंटिंग तो चैतन्य महाप्रभु करेंगे। शंकराचार्य आया, आदि शंकराचार्य, और शंकराचार्य आके क्या किया, मायावाद का प्रचार किया। लगता है कि बुद्ध से हटके है, लेकिन वो भी वैसा ही है, तो ढका हुआ निराकार बात। कि जैसे उदाहरण स्वरूप भगवान क्या है, सभी से ऐसे द्विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर वंशी बिहारी, लेकिन मायावाद का कहना क्या है कि भगवान का कोई रूप नहीं होता, निराकार है। तो ये भी तो बुद्ध की तरह है ना। बुद्ध का अर्थ क्या है, शून्य, कुछ भी नहीं, एवरीथिंग इज जीरो, बुद्ध का दर्शन। और मायावाद का दर्शन क्या है, निराकार। तो सेम थिंग, शून्य और निराकार एक ही थिंग। ये थोड़ा वो लाइट में शून्य, और लाइट में शून्य या प्रकाश में शून्य, तो शून्य होता है ना। तो इसीलिए मायावादम अशास्त्र प्रच्छन्न बुद्धम अच्छा, प्रच्छन्न मतलब ढका हुआ। बुद्ध फिलोसॉफी जो है ना, वही चीज मायावाद ढका हुआ है। तो शिव जी तो भगवान के शुद्ध भक्त है, भगवान के शुद्ध भक्त है। तो कोई भी भक्त क्या चाहेगा, मान लीजिए अभी मुझे अगर वैष्णवी राधा माता जी मुझे बोले कि प्रभु जी मैं आपको 50,000 रुपया दे रहा हूँ, आप मायापुर टीवी में जाके मेरे गुरु महाराज के लिए एक दो वाणी बोल देना है ना, प्रभुपाद के बारे में मत बोलो, ठीक है। तो अगर मैं साधारण भक्त कर रहा हूँ तो क्या बोलूँ, ठीक है माता जी मुझे एक ही क्लास में 50,000 रुपये मिल जाएगा तो अच्छी बात है। तो अपने गुरुदेव की महिमा के लिए मुझे 50,000 रुपया दिया, एग्जाम्पल ना। तो मैं अभी 50,000 रुपया लिया, लेने के बाद मैं क्लास चालू किया, हाँ गुरुदेव होती, अरे प्रभुपद क्या किया, प्रभुपद अकेला थोड़ी इसको इस्टाब्लिश करता, अगर भक्त न, अगर मैं इस तरह फिलोसॉफी चालू किया, लेकिन बाद में अंतर ही अंतर मेरा काट रहा है, हायरे मैं यहाँ पर मायापुर में क्लास देने के योग्य बना एकमात्र प्रभुपद की कृपा से। और उसी स्टेज को देखकर कोई व्यक्ति मुझे घुस दिया 50,000 रुपया, और मैं अभी उसी प्रभुपाद को नीचे करने का, तब मेरा मन में क्या आएगा बाद में, प्रभुपाद इज एवरीथिंग, जब मेरा ये भाव है। लेकिन ये भाव जब तक नहीं आएगा, वही 50,000 रुपये के दलदल में मैं अपना बानी हेर फेर करता रहूंगा। तो शिव जी के जीवन में भी यही चीज हुआ था, शिव जी के जीवन में यही भाव हुआ था। क्या भाव, कि भगवान बोले कि तुम मायावाद का प्रचार करो, निराकार बात। और शिव को तो पता है कृष्ण भगवान है, और कृष्ण उनको पद्म पुराण में बोले है कि तुम कलयुग में जाओ और शंकराचार्य के रूप में अवतीर्ण हो, और वहां पे जाके निराकार का प्रचार करो। तो अगर मुझे कोई बोले प्रभु क्यों ऐसा मुझे काम सौंप रहे, आप मेरे कितने प्रिय हो, आई लव यू सो मच मेरे कृष्ण प्यारे बंधु, है ना, वो ऐसा बोल सकता है, आप मुझे ऐसा काम मुझे मत दो ना। लेकिन अभी वो रोने से भी कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि दूसरा कोई कर नहीं सकता। तो अभी शिव जी आया, जब तक 50,000 का नमक खाए गुण गाए, और अंत में सोचा कि नहीं अब तो मुझे अपने रियल रूप में आना है। तब रियल रूप में क्या बताए, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते मूढ़मते, अरे मूर्ख समस्त मूर्ख रास्केल, भज गोविंद, ये सब बाकजाल, ये सब लॉजिक कि भगवान निराकार है, वो कार है, ये कार है, ये सब छोड़ो और भज गोविंद, भज एकमात्र गोविंद को भजना करो, अन्यथा तुम्हारा गति नहीं है। तो ये शिव जी कब किया, जीवन के अंत में, क्योंकि तब तक नहीं कर पाए थे, क्योंकि कृष्ण का इंस्ट्रक्शन था, घुस दिए थे 50,000, अभी उनके बारे में तो गुणगान करना है, लेकिन अंत में अपने रियल रूप में तो आना है, क्योंकि मैं तो प्रभुपाद का ये हूं, उनका नमक खाया मुझे उसको पालन करना। उसी प्रकार शिव जी बोले कि मैं कृष्ण से आया हूँ, कृष्ण मेरे प्रियतम है, वो मेरे जीवन का भक्ति का लक्ष्य है, और मैं उनको निराकार बता कि इस जगत में चले जाऊं, दूर मेरा भक्ति, दूर मेरा फिलोसॉफी। इसीलिए लास्ट में भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते, ऐसे करके
शंकराचार्य अपने जीवन के अंत में। तो ये चीज प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा में, द टीचिंग ऑफ लॉर्ड चैतन्य, इस पुस्तक में इसका पूरा व्याख्यान देते हैं कि शंकराचार्य ऐसे भाव लेकर भज गोविंद को इस्टैब्लिश किया। कोई नहीं जान पाता तब भक्तगण समस्त आध्यात्मिक ज्ञान से पूर्ण रूप से ज्ञात होते, जो भक्त होते वही भगवान को पूर्ण रूप से जान पाते। तो परम सत्य का अंतिम साउंड कम आ रहा प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, साउंड कम आ रहा प्रभु जी। विश्वनाथ प्रभु साउंड आ रहे हैं? हरे कृष्णा, पहले से जैसा साउंड था ऐसे ही साउंड आ रहा है। साउंड तो आ रहा है, साउंड में कोई कमी नहीं है। इनका लैपटॉप ना तो जिसमें सुन रहा है उसको देखने बोलिए। हाँ हाँ वही है। पीएम प्रभु जी आप अपना खरीद दीजिए 60 रुपया लेकर, एक हेडफोन खींचिए, जब क्लास ज्वाइन करेंगे उस समय यूज करना है, डायरेक्ट आपके हृदय में कृष्ण भक्ति का ज्ञान घुसेगा। ऐसे में नहीं तो कोई पक्षी चहचहा रही है वो भी घुस रहा है, कोई कुत्ता भौंक रहा है वो भी घुस रहा है, और अगर हेडफोन यूज करेंगे तो क्या होगा, डायरेक्ट भागवतम घुसेगा भगवान, है ना। आज ही दुकान में जाना है, बोले कि मुझे 50 रुपया वाला हेडफोन चाहिए, 50 रुपया वाला भी मिलता है और 450 वाला भी मिलता है, आपको क्या करना है, 50 रुपया वाला खरीदना। क्यों? क्योंकि कुछ दिन बाद सबका एक हेडफोन चलता है दूसरा वाला नहीं चलता, जिसके कारण दोनों डिस्टर्ब होते हैं, इसलिए बेहतर है छोटा वाला खरीद। अपना अनुभव बता रहा हूं, आप वॉल्यूम बढ़ाइए प्रभु जी, प्राण मोहन प्रभु जी अपना वॉल्यूम बढ़ाइए। हाँ चलिए, सत्य का अंतिम पड़ाव क्या है, भगवान। सत्य का तीन स्तर है, हम सबको पता है, हम लोग भागवतम के द्वितीय स्कंद में, प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय में पढ़े हैं। किस किस को वो श्लोक याद है, विश्वनाथ प्रभु, विश्वधारिणी माता जी, गीता माता जी, ब्रह्मेति, हम एक वर्ड बोलेंगे ब्रह्मेति, भगवान शब्द भगवान भगवान हाँ, भगवान के तीन स्तर है। पहला है ब्रह्म, ट्रेन का लाइट, दूसरा है परमात्मा, ट्रेन का बोगी, और तीसरा है भगवान। ट्रेन के अंदर बहुत सारे लोग है ना, एक गांव की बात है, जो पहले पहले ट्रेन आए ब्रिटिश अमल की बात है, उस समय गांव में ट्रेन नहीं आया था, तो जब आया तो रात में चालू कर रहे हैं ट्रायल करके, तो कोई बोल रहे कि अच्छा देखो तो ट्रेन कैसे होता है, तो बोल रहे कि ट्रेन मतलब लाइट, पूरा लाइट आ रहा है। एक व्यक्ति बोले कि ट्रेन मतलब लाइट, एक व्यक्ति और आगे गया ट्रेन के सामने, बोले कि ट्रेन का मतलब होता है घर, क्योंकि बोगी है, ट्रेन का अर्थ होता घर। और उसके बाद जब प्लेटफॉर्म में वो खड़ा हुआ ट्रेन, तो देखा कि बहुत सारे लोग उतर रहे हैं। तो ट्रेन का तीन स्तर, एक दूर से देखने से ट्रेन दिखने में लगता है कि एक लाइट है, जब सामने जाते हैं तो लगता है कि घर है, और जब और सामने जाते तब पता चलता है कि वहां पे बहुत सारे लोग भी। उसी प्रकार ब्रह्म जो क्या है ना, ब्रह्म ज्योति, निर्विशेष ब्रह्म भगवान का, वो भी भगवान का फीचर है, शरीर का तेज है। दूसरा परमात्मा, सर्वव्यापी भगवान, सबके हृदय में वास करते हैं, अंडान तरस्त परमात्म, परमाणु में, अंड में, हर जगह भगवान सर्वव्यापी रूप में विराजमान है, ठीक है। और ये भगवान, और भगवान किस रूप में, भगवान अपने पार्षदों सहित, अपने भक्तों सहित गोलोक वृंदावन में वास करते हैं, तो भगवान का ये भी फीचर है। तो शिल प्रभुपाद क्या बता रहे, ये जो परम सत्य का जो अलग अलग फीचर है, तो इसमें परम सत्य का अंतिम पड़ाव क्या है, भगवान। गोलोक वृंदावन में भगवान अपने भक्तों के साथ वास करते हैं। तो निराकार ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा भगवान के ज्ञान में सम्मिलित। जो व्यक्ति जानते हैं कि ट्रेन के अंदर बहुत सारे लोग पैसेंजर बैठे हुए हैं, उनको पता है कि ट्रेन का मतलब बोगी भी होता है और ट्रेन का मतलब लाइट भी है, ट्रेन में लाइट भी है और बोगी भी है। लेकिन जिसको सिर्फ लाइट दिखता है वो ट्रेन के बारे में उनका पूरा इंफॉर्मेशन नहीं है,
जिसको सिर्फ बोगी के बारे में पता है, ऐसी रूम पूरा लॉक हुआ है, लोग नहीं देख पा रहे अंदर, तो उसका भी पूरा ज्ञान नहीं है। लेकिन प्लेटफॉर्म में जब ट्रेन रुकेंगे, लोग आना जाना कर रहे हैं, बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, चढ़ रहे हैं, है ना, तब उसका ज्ञान जो है ना ट्रेन के बारे में पूर्ण रूप से परफेक्ट है। तो हमारे जीवन में भी हम लोग भगवान के बारे में जानते, इसका प्रमाण क्या है, हम लोग कृष्ण को जानते, हम लोग कृष्ण को जानते मतलब हम लोग भगवत संबंधित, भगवत राज्य आध्यात्मिक ज्ञान संबंधित हम लोग को सब कुछ पता है। लेकिन अगर हमारे पास सब कुछ चतुर्वेदी चारों वेद का ज्ञान हो, सभी श्लोक को ऐसे ही झाड़ दे जैसे हवा का झोंका हो, लेकिन कृष्ण के बारे में नहीं जानता, तो वो सब बेकार है। श्री प्रभुपाद वृंदावन में थे तो श्याम सुंदर प्रभु जी की जो छोटी पुत्री क्या सरस्वती, तो जब डालमिया बिड़ला आए थे प्रभुपाद से मिलने के लिए, तो सरस्वती छोटी बालिका क्या किया उन लोगों से, बोले कि यू नो व्हिच कृष्ण, आप लोग जानते कृष्ण कौन है, तो लोग मजाक में बोले नो नो आई डोंट नो कृष्ण, तो बोले कि यू डोंट नो कृष्णा, कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, आप कृष्ण को जानते नहीं, अरे कृष्ण तो परम पुरुषोत्तम भगवान है। तो प्रभुपाद आके बोले दिस इज प्रीचिंग, ये है प्रचार, है ना। वृंदावन में यहाँ पे चारों वेद 18 वेद पढ़ पढ़ के पूरा भूटी पूरा एकदम पेट निकाल रहे हैं, लेकिन कहीं पर कृष्ण भक्ति का प्रचार नहीं कर पाते। लेकिन छोटी बालिका है ना कि कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, इसका जो अनुभव है, इनके पास जो ज्ञान है ना, उन वेदांतियों के पास नहीं है। तो सबसे बड़ा वेदांति वही है जिसके पास कृष्ण संबंधित ज्ञान हो, चाहे छोटी बालिका हो या वृद्ध व्यक्ति हो, भीष्म पितामह हो या जो भी। अतः जो भगवान को जान सकता है, उनके विषय में, उनकी नाना शक्तियों तथा उनके अंशों के विषय में स्वतः ही सब कुछ जान लेता है। जैसे मान लीजिए आप प्रधानमंत्री को जानते हैं, तो प्रधानमंत्री के साथ अगर आपके साथ रिलेशनशिप है, तो आप तो सब कुछ जानेंगे ना, उनका जन्म कहाँ हुआ था, कितना डिग्री, कितना पढ़ाई किए, है ना, उसका पहले नाम क्या था, पहले वो क्या करते थे, उसका दाढ़ी से पहले दाढ़ी था कि नहीं, और भी जैसे बहुत सारा इंफॉर्मेशन। अगर उनके साथ अगर हमारा रिलेशनशिप होगा, तो उससे पहले सब कुछ ज्ञान जाए, क्या सच में वो लोग तो बोलते कि चाय बेचते थे, क्या ये सही है। तो जो भी है, हम लोग को क्या, जब उनके बारे में जानते हैं, प्रधानमंत्री के बारे में, तब उनसे संबंधित सब कुछ जानते हैं, उनके घर में कौन कौन है, वो क्या ब्रह्मचारी है या शादीशुदा है, वो क्या दिल्ली में रहते हैं या मुंबई में रहते हैं, तो सब कुछ ज्ञान हो जाता जब हम उनके बारे में जान लेते हैं। तो अगर उनके साथ ही मेरा कोई रिलेशनशिप नहीं है, तब वो यूट्यूब में सर्च करो दिल्ली मुंबई, भारत का चार शहर है, उसमें से प्रधानमंत्री का वासस्थान दिल्ली में होता है, तो ऐसे करके ये ज्ञान का जो पंथा है थोड़ा लंबा है। लेकिन अगर डायरेक्ट प्रधानमंत्री से शुरू करेंगे, तब तो सब तरह का ज्ञान प्राप्त होगा। तो इसीलिए अगर भगवत संबंधित, भगवान कृष्ण संबंधित हमारे ज्ञान हो, तो क्या होगा, हम लोग भगवत राज्य क्या है, ब्रह्म ज्योति क्या है, स्वर्गलोक क्या है, महेश लोक क्या है, कैलाश पर्वत क्या है, मंदराचल पर्वत क्या है, पृथ्वी लोक क्या है, निराकरवादी कौन है, महाप्रभु के भक्त कौन है, श्री संप्रदाय के भक्त कौन, सब कुछ ज्ञान हम सबको प्राप्त हो जाता है। आगे बताया जा रहा है कि अतवेर भक्तों को परम भाग्यशाली सफल कहा गया है, परम भाग्यशाली सफल। अभी प्राण मोहन सिंह प्रभु जी बोलेंगे, आप प्रभु जी आप बोल सकते हैं, लेकिन मेरे लिए प्रभु जी जो नहीं, हमारे प्राण मोहन प्रभु जी शायद बोल सकते हैं। क्यों बोलेंगे, प्रभु जी गृहस्थ जंजाल है ना, थोड़ा झगड़ा झमेला होता है, ये तो होगा, ये सबके सबका होता है। क्या गीता माता जी सुखी है, पूछिए, उनका भी प्रभु जी के साथ झगड़ा होता है, वो भी तो चुप चुप के ये करते हैं, भक्ति करते हैं, है ना। गीता माता जी अपना अनुभव बताइए तो। क्या अनुभव बताए, हम क्या बताऊं प्रभु जी, अब करना पड़ता है,
क्योंकि सभी तो वैष्णव भी राधा उनकी बेटी की तरह पूरा अनुकूल परिवेश नहीं है ना। माता जी लोग पूर्व जीवन में बहुत सुंदर भक्ति किए थे। सुकृति प्राप्त पुण्य कृताम लोकानुस्थिति शाश्वती समा सूचनाम श्रीमताम गेह जोग वृष्ट भी जाए थे। तो पूर्व जीवन में किया गया सुकर्म फल है जो मायापुर धाम वास मिला है ना, पति देवता की तरह, माँ किसका उदाहरण, कीर्तिदा सुंदरी राधा रानी की माँ है ना, हमारे विश्वधारिणी माता जी की बात कर रहे हैं है ना, माँ है कीर्तिदा सुंदरी की तरह और पति देव है युधिष्ठिर महाराज की तरह और छोटी बेटी है राधा रानी की तरह है ना। तो इसे तो ये तो अनुकूल परिवेश है, तो ऐसे सौभाग्य मिलता है ना। लेकिन हम सबको एक चीज समझना है कि ये हमारा अल्टीमेट नहीं है। हमारा अल्टीमेट है कि हम हृदय में कितना भक्ति कर पा रहे। कंफर्टेबल लाइफ इज अनदर थिंग और भक्ति करना इज अनदर थिंग। भक्ति करना अलग मैटर है और कंफर्टेबल लाइफ जीना अलग मैटर है। कंफर्टेबल लाइफ में बहुत कुछ आता है। अगर कोई गरीब है कोई धनी है तो जो धनी है वो कंफर्टेबल लाइफ है। अगर कोई धनी है लेकिन भक्ति करने का चांस नहीं है वो भी कंफर्टेबल नहीं है। लेकिन हमारे जो विश्वधारी माता जी उनकी माँ वो लोग हर तरह से कंफर्टेबल है। लेकिन अभी विषय वस्तु ये है कि भगवान तो सब कुछ दिया है उनको, मायापुर धाम दिया, अच्छा पति दिया, अपनी माँ दिए, सुंदर बेटी दिए, अच्छा गुरुदेव दिया, प्रभुपाद दिए, इस्कॉन जैसे सोसाइटी दी। अभी प्रश्न उठता है कि मैं कितना कर पा रहा हूं या मैं कितना कर पा रही हूं ना, प्रश्न ये है। इसीलिए हम लोग को एक चीज सोचना है। हमारे प्रेमानंद प्रभु बोलते हैं कि किसी के कंफर्टेबल लाइफ को देख के ईर्षा नहीं करना है कि हाय रे वो माता जी कितना सुंदर लाइफ जी रहे हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे किसी किसी घर में लहसुन प्याज खाते हैं पत्नी, हमको खाना पड़ता निरामिष, खुद को गैस चूल्हा सिलेंडर लाइक दैट। तो ये अनकंफर्टेबल और वह कंफर्टेबल। तो हमारे प्रेमानंद प्रभु बोल रहे कि इस जगत में हर कोई अनकंफर्टेबल में है। तो बोलते कैसे कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति बोलता कि प्रभु हम तो बहुत सुखी है, मुझे भगवत धाम जाने का जरूरत नहीं है क्योंकि यही पता सब कुछ है, मायापुर धाम मिला है, सब कुछ भक्ति करने का। तो प्रेमानंद प्रभु हमारे प्रभु जी बता रहे कि पायस है ना, पायस खाए हम सब, क्या बोलते स्वीट राइस खा रहे, अगर उसमें बाली मिला दिया जाए तो थोड़ा सा सैंड बालू, तो खाने में क्या मजा आएगा, मतलब क्या बोलते आनंद आएगा। तो इस जगत में भक्ति करना स्वीट राइस को बालू के साथ मिक्स करने खाने जैसा है, और भगवत धाम गोलोक वृंदावन में भक्ति करना विदाउट बालू एकदम प्योर स्वीट राइस को खाना है। इसीलिए कभी भी किसी भक्त के मन में यह भावना नहीं लाना प्रभु मुझे भी भगवत धाम भी नहीं जाना, मेरे पति देव तो नौकरी करता है, लाख रुपया मंथली आ जाता है, रहता हूं मायापुर धाम में, कोई चिंता नहीं, टेंशन नहीं, मुझे भगवत धाम भी नहीं जाना है, यही पर भक्ति करना है। तो प्रभुपाद बोलते कि एक्चुअली प्रभु जी क्लास में बोले थे, प्रभुपाद का उदाहरण दिए थे, प्रभुपाद बोले कि जगत में बालू के समान स्वीट राइस को खा रहे लेकिन उसमें थोड़ा अगर बालू मिला दिया जाए तो स्वीट राइस जैसा ही लग रहा है, और नमक नहीं लग रहा आपको, तीखा भी नहीं लग रहा, लेकिन बालू है ना वही आपको प्रॉब्लम कर रहा। तो उसी प्रकार कुछ ना कुछ त्रिताप में से हम लोगों को मिलेगा ही, हम लोग कितना ही शुद्ध भक्ति क्यों ना करें। प्रभुपद के जीवन में भी हुआ है ना, जब जूहू टेम्पल की बात हुआ, हम लोग तो देखे अभय चरण सिंह में जूहू टेम्पल में लैंड भी दे दिया, पैसा भी दे दिया प्रभुपद, फिर भी चीटिंग कर रहा था नायर मुंबई में, बोले कि नहीं नहीं ये हरे कृष्ण वालों को हम टेम ये नहीं देंगे, ये जगह नहीं देंगे। हाँ उसके बाद नृसिंहदेव आया विश्वनाथ प्रभु उनके जीवन में रात में है ना नायर को पूरा इस जगत से ही उठा दिया। तो उनकी पत्नी क्या हो रही है कि तूने मेरे पति को मारे है ना, प्रभुपाद को चैलेंज कर रहा, अंगुली दिखा रहे थे। तो वो वकील क्या बोला कि अगर तुम ये सोचते हो कि ये प्रभुपाद तुम्हारे पति को मारे है तो तुम भी सावधान हो जाओ क्योंकि तुम्हारा भी बारी आने वाला है ना। तो उसके बाद वो माता जी रो रो के प्रभुपाद के चरणों में गिर पड़ी और प्रभुपाद बोले कि ठीक है आपको हम पैसा भी देंगे, आपके जमीन में जो जमीन हम लोग खरीदे है ऐसे फ्री में नहीं लेंगे, डोंट वरी,
और यहाँ पे रहने के लिए आपको आजीवन सदस्यता भी आपको देंगे, डोंट वरी। आप यहाँ पे रहेंगे, भगवान को दर्शन करेंगे राधा रस बिहारी की, है ना। तो देखिए प्रभुपद के जीवन में भी थोड़ा सा बालू आया था और भी बहुत जगह, तो ये स्वीट राइस में बालू मिलता है यहाँ पर, यहाँ का भक्ति स्वीट राइस में बालू मखा है और भगवत धाम की भक्ति प्योर। तो हम सब भक्त क्या है, भक्तों को परम भाग्यशाली सफल क्या है, जो भक्त जो कृष्ण भक्त बन जाता है वो जीवन में सफल हो जाते हैं। हमारे जीवन की जो सफलता है, सफल का अर्थ क्या है पहले हम लोग ये थोड़ा समझेंगे, सफल का अर्थ क्या है, सक्सेसफुल का अर्थ क्या है। सफल का अर्थ ये है कि जैसे उदाहरण स्वरूप आप 10 माध्यमिक परीक्षा देंगे मैट्रिक की, आप 10 क्लास से, तो अभी आप शर्मा गेस पेपर, वर्मा गेस पेपर, बोर्ड एग्जामिनेशन के पहले जो जो कुछ नोट्स निकलते हैं या अपने जीवन में जितना कुछ ट्यूशन पढ़े सब कुछ आपका रेडी है, ठीक है ना। गीता माता ध्यान देना है, नोट बना रहे गुड, लेकिन ध्यान से सुनना भी है। तो सब कुछ आप किए हैं, ट्यूशन किए साइंस का, मैथमेटिक्स का, इंग्लिश का, और 10वीं का मतलब 10वीं का परीक्षा देने के लिए आप गए हैं सेंटर में, जहां भी आपका सेंटर हो। तो परीक्षा देके फर्स्ट डिवीजन होना सफल है, फर्स्ट डिवीजन अगर आप हो जाएंगे तो आप सफल हो गए, तो अगर आप फेल करेंगे तो आपका कुछ मूल्य नहीं परीक्षा का। तो हमारा जीवन जो है मनुष्य जीवन एक परीक्षा जैसा है, परीक्षा का सेंटर। हमारा जीवन क्या है, एग्जामिनेशन सेंटर। तो अगर हम लोग कृष्ण भक्त बनेंगे तो हम लोग फर्स्ट डिवीजन हो गया, और कृष्ण भक्त नहीं बनेंगे तो हम लोग फेल है। इसलिए श्लोक प्रभुपाद यहाँ पे तात्पर्य में लिख रहे हैं कि जो व्यक्ति कृष्ण का भक्त बन गया वो फर्स्ट डिवीजन है, वो भाग्यशाली है। भक्तों को परम भाग्यशाली सफल कहा गया। तो भगवान का 100% भक्त जन्म मरण के चक्र के भयानक भौतिक तापों के प्रति निश्चेष्ट रहता है। निश्चेष्ट मतलब विदाउट ए डाउट, मतलब नो डाउट, कोई संदेह नहीं, निश्चेष्ट पूरा कन्फर्म कि मैं 100% भगवान का शरण ली हूं, जिसके कारण मैं जन्म मृत्यु के चक्र से भौतिक तापों के से मैं मुक्त हो जाऊंगा। तो ये कौन व्यक्ति ये कन्फर्म दे सकता है, ये सब के पहले इस लाइन को देखना है, 100%। 100% अगर हम लोग भक्ति करेंगे तो हमारे हृदय में भी, हमारे हृदय में ही ये चीज का फील होगा, आभास होगा कि मेरा भगवत धाम जाना कन्फर्म है, है ना। और दूसरी बात है, जैसे कल के क्लास में हम लोग कन्वर्सेशन में बताए थे कि महाप्रभु बोले हैं, न धर्म न जन्म न सुंदरी जगदीश कामये मम जन्मनी जन्मनीश्वरे भवता भक्ति रहितु। कि हमको भगवत धाम जाने की भी कामना नहीं है, मोक्ष की भी कामना नहीं, सुंदर स्त्री की भी कामना नहीं, धन का भी कामना नहीं, अच्छा प्रवचनकर्ता भी बनने की कामना नहीं। मुझे क्या कामना है कि जन्म जन्म में जहां भी रहूं आपका तुच्छ सेवक, तुच्छ भक्त बन पाऊं, ये भक्त का भाव है। लेकिन इसमें प्रभुपाद बता रहे, लेकिन अगर भगवान खुद आया आपको लेने के लिए तो उस समय अति भक्ति चरण लक्षण नहीं करना चाहिए कि नहीं प्रभुपाद, नहीं भगवान, नहीं कृष्ण, मुझे यहाँ पे और प्रचार प्रसार करना है। अरे प्रचार प्रसार के लिए तुम्हारे जिससे भगवान लाखों करोड़ उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन भगवान जो बोल रहे उसको सुनो। वो अगर तुम्हें भगवत धाम ले जाने के लिए पूरा अरेंजमेंट विष्णु दूत आपको भेज दिया है तो उस समय सेंटिमेंट मत बनो कि प्रभु हे भगवान मैं अगर जाऊं भगवत धाम तो यहाँ पे प्रचार कौन करेगा, झूम क्लास कौन देंगे, ऐसा अगर सोचेंगे ना तो ये आपका अहंकार है और कुछ नहीं है। क्योंकि भगवान तुम्हारे जैसे करोड़ों अरबों एक झटके में जन्मा सकते, मतलब उत्पन्न कर सकते हैं। इसीलिए भगवान जो बोल रहे उसको सुनना है। प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि तुम प्यासा हो, पूरा थक के आए हो, बस ट्रेवलिंग करते कलकत्ता से मायापुर,
और घर में पहुंचे फ्रिज का एक गिलास उसको पानी चाहिए ठंडा ठंडा, तो आप बोले प्रभु जी आपके लिए मैं गरम गरम दूध लाया हूं 35 रुपया लीटर माया प्रभु, तो कौन सा अच्छा है? वो मांग रहे बेचारा मुझे पानी चाहिए, प्यास लगा है। और आप बोले कि नहीं वो तो पानी है तो फ्री मिलता है, ये गरम गरम दूध पूरा मलाई माल मलाई लगा के आपको दे पियो, तो क्या उसमें वो प्रसन्न होगा? यद्यपि उससे भी अच्छा है, अच्छा दामी है, उससे महंगा है, लेकिन फिर भी प्रसन्न नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जिस टाइम जिसका जो नीड है, जिसका जो जरूरत है, उसी चीज को चाहेंगे, है ना। तो उसी प्रकार भगवान की जो जो इच्छा है जिस टाइम, हम लोग को उसे स्वीकार करना है। सपोज एग्जाम्पल, मैं 6 साल ब्रह्मचारी आश्रम में रहा, ब्रह्मचारी आश्रम में रहते हुए विभिन्न जगहों में जाके प्रचार प्रसार किया, बोकारो, जमशेदपुर, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, हर इलाका, हर गांव, हर कस्बे, हर क्षेत्र में हम लोग गए प्रचार प्रसार के लिए। जब तक ब्रह्मचारी आश्रम में था 6 साल में प्रचार किया। उसके बाद जिस दिन हम जूम क्लास ज्वाइन किया, मतलब क्या बोलते हैं स्टार्टिंग किया जूम क्लास, तो हमारे राकेश कुमार राय प्रभु जी क्या स्टार्टिंग किए, क्या बात बोले मेरे लिए कि प्रभु जी हाथी का दांत है ना, हाथी का मरने से भी, मेरा नाना जी बोलते थे बंगाली में कि हाथी बांचले सुआ लाख और मोरले सुआ लाख, मतलब हाथी अगर मर जाए फिर भी 2.5 करोड़ सुआ लाख, मतलब हाँ 2.5 करोड़, और अगर तो क्या है सुआ लाख, मतलब क्या है, अरे सरल भाषा में बोलो जल्दी, मतलब 1,25,000। अच्छा 1,25,000। तो हाथी अगर मरेंगे फिर भी 1,25,000, और अगर बच के रहेगा फिर भी 1,25,000। तो मैं नाना जी को पूछता था इसका मतलब क्या है, बोले कि मतलब यही है कि हाथी का जो दांत है ना वो काम में आता है, हाथी जब तक वो जीवित रहेगा तब भी उसका दांत का दाम है, और जब मर जाएगा फिर भी हाथी का दांत का काम आता है, इसीलिए बचने से भी 1,25,000 और मरने से भी 1,25,000। तो हमारे प्रभु जी उदाहरण दिए थे कि प्रभु जी जब आप ब्रह्मचारी आश्रम में थे ना उस समय भी प्रचार प्रसार करते थे, अभी गृहस्थ जीवन में मर गए, मतलब गृहस्थ जीवन में आए ब्रह्मचारी आश्रम मर गए, फिर भी हाथी का दांत चला, फिर भी प्रचार प्रसार जूम क्लास के माध्यम से हो ही रहा है ना। तो इस प्रकार हम लोग देखे कि प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो 100% भक्त भगवान के श्री चरणों में अपने आप को समर्पण कर देते हैं, वो जन्म मरण के चक्र के भयानक भौतिक तापों के प्रति निश्चेष्ट होता है, है ना, उसको कोई डाउट नहीं रहता कि भगवान उसकी रक्षा करते। तो 15 मिनट हमारे पास समय है, अभी हम लोग थोड़ा प्रश्न उत्तर लेंगे। हाँ, तो आज की कथा जो है श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंध के तृतीय अध्याय के श्लोक संख्या 39 यही पर हम लोग रखते हैं। तो इस संबंध में अगर किसी भक्त का माता जी प्रभु जी कुछ प्रश्न हो, यू कैन आस्क। हरे कृष्ण। आज का क्लास ही था जिज्ञासा से लेकर, अगर जिज्ञासा अभी भी नहीं रहेगा तो मैं समझूंगा कि आज का जो क्लास है ना मैं अच्छा प्रेजेंटेशन नहीं कर पाया, अगर अच्छा प्रेजेंटेशन करता तो जिज्ञासा आता, कुछ प्रश्न आते, तो इस चीज को दूर करने के लिए आप लोग प्रश्न कीजिए। पहले हम नंद किशोरी माता जी से प्रश्न लेंगे। नंद किशोरी माता जी बताइए, हमारे विश्वधारिणी माता जी खोज रहे कौन सा प्रश्न करे, तो तब तक आप बताइए। नहीं प्रभु जी, वो पहला थोड़ा मिस हो गया ना मेरा, कल बताऊंगी प्रभु जी। हाँ? मैं कल बताऊंगी मैं, ऐसा कल मिल नहीं चलेगा, समोसा खिला आज वाला कल बताऊंगी, पूरा गरम गरम समोसा खिला जी जी आऊंगी तो खिलाऊंगी वहां पर मायापुर में, देखते हैं भगवान कब तक वहां बुलाते हैं। गरम समोसा और हमारे विश्व, चलिए प्राण मोहन प्रभु जी। जी प्रभु जी। हाँ ठीक है माता जी, हरे कृष्ण।
भक्ति की अभिलाषा तो है प्रभु जी, पर भक्ति की पर किस तरह होगी? फिर से एक बार रिपीट कीजिए प्रभु। कह रहे हैं कि भक्ति की अभिलाषा तो है पर पूर्ण कब तक होगी, कैसे होगी? ये किसी का पूर्ण नहीं होता है, भक्ति जो है ना सबका आधा अधूरा ही रहता है। इस संसार में हमारे जितने सारे आचार्य, इवन राधा रानी को देखिए, राधा रानी जब अभिमन्यु के घर में, आयन के घर में रहती थी तो कृष्ण से मिलते छुप छुप के, तो राधा रानी चाहती थी कि मैं कृष्ण से सब प्रतिक्षण कृष्ण के साथ रहूं। हाँ, उद्धव का भी थोड़ा कमी था, बोले कि प्रभु मैं तो घर जाता हूँ सोने के लिए ना, यद्यपि कृष्णा जगने से पहले मैं आ जाता हूँ 4 बजे और कृष्ण जब सो जाते हैं 11 बजे तो सुला के उनको थोड़ा मालिश वगैरह करके मैं चला जाता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। अगर रात भर उसके पास रहो तो उनका भी आशा था पूर्ण नहीं हुआ, अर्जुन का भी है ना। तो ये जो आप अभिलाषा बताए, भक्ति की अभिलाषा चाहते तो है लेकिन पूर्ण नहीं होगा, तो दूर के भक्तों से कहां जाऊं? चलिए हम लोग इसी भक्तों से पूछेंगे हमारे कि नंद किशोरी माता जी आपका अनुभव बताइए, आप भी बहुत कुछ चाहते हैं प्रभु जी। हाँ तो जी प्रभु जी, वे पीएम सिंह प्रभु जी बोल रहे हैं कि अभिलाषा है लेकिन कब पूर्ण होगी, तो ये है कि किसी को पूर्ण नहीं होता है तो हम लोग क्या यही रह जाएंगे, भगवत धाम नहीं जाएंगे? नहीं, पूर्ण की जो परिभाषा है ना माता जी सुनिए, पूर्ण की परिभाषा हम लोग नहीं जानते ना, भगवान जैसे देखिए उदाहरण स्वरूप आपको बता रहे, खट्टांग ये कुब्जा कृष्ण के लिए क्या किया था? कुछ नहीं, थोड़ा सा चंदन दिया था जी। और हमारे राधा माधव को जननिवास प्रभु 40 साल से चंदन देके आ रहे, तो किसकी पूर्णता, किसका थर्मामीटर, कृष्ण किसको किसमें ले लेंगे, वो उनका व्यू है। कृष्ण किसी से 40 साल तक अभी तक चंदन की सेवा ले रहे जननिवास प्रभु से, और कुब्जा से ओनली एक बार लिए थे और उनको विश्व सुंदरी बना दी, ओनली वन टाइम है ना। तो हो सकता है हमारे विश्वनाथ प्रभु 70 वर्ष के बाद भक्ति जीवन में आए, हमारे विश्वधारी माता जी बचपन से ही छोटी बालिका से ही भक्ति में आए क्योंकि उनकी माँ भक्त है ना। आप अभी अभी भक्ति में आए, प्राणमोहन प्रभु जी पहले से चाहते थे लेकिन ऐसा कोई संघ नहीं था, कोई एसोसिएशन नहीं था जिसके कारण अपना भक्ति को प्रकाश नहीं कर पा रहे थे, तो अभी वो आए। सभी अपने अपने क्षेत्र में परफेक्ट है, पूर्ण है, कृष्णा उसका विचार करेंगे कि आप पूर्ण हो या अपूर्ण हो। हमारी भाषा में क्या है, आप क्या सोच रहे कि जगन्नाथ प्रभु जो है ना वो तो शुद्ध भक्त है आपकी नजरों में, लेकिन मैं क्या सोचता हूँ, मैं मायापुर धाम में रहता हूँ ना, तो मैं जो जननिवास प्रभु जो है ना वो शुद्ध भक्त है, और जननिवास प्रभु क्या सोचते हैं, जो प्रभुपाद है ना वो शुद्ध भक्त है, मेरे गुरुदेव श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शुद्ध भक्त है, भगवान के पार्षद है, भगवत धाम से आए। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्या सोचते थे, गौर किशोरदास बाबा जी महाराज के पास जब गए दीक्षा लेने के लिए, बोले कि गुरुदेव जब तक आप मुझे दीक्षा नहीं देंगे ना तो मेरा ज्ञान समुद्र के पानी की तरह खारा है जो कोई पी नहीं सकते, लेकिन जब आपकी करुणा थोड़ा सा एक्वा गार्ड लगेगा ना मेरे जीवन में तब हर कोई उसे पी सकते हैं। तो गुरु की कृपा, तो हर कोई अपने गुरुदेव को अपने से वरिष्ठ को शुद्ध मानते हैं। जैसे आप कल क्या बता रहे कि हमारे विश्वनाथ प्रभु जी है ना उनका जो अनुभव वो एकदम अच्छे भक्त है, लेकिन विश्वनाथ प्रभु क्या बोलते हैं उनसे सुनते हैं थोड़ा।
प्रभु विश्वनाथ प्रभु बताइए। प्रभु प्रभु ना मैं तो बोलूंगा भगवत गीता का एक श्लोक है ना, वो श्लोक पूरा याद नहीं है, थोड़ा सा है। हाँ, फलेशु कदा चरेत। हाँ, फल का आशा मत करो, आप काम करो। वो पूरा श्लोक याद नहीं, आप बता दीजिए उसको। माँ फलेशु कदा चरेत, फिर माँ कर्म हेतु भी। अरे ठीक है, छोड़िए, इसका अनुवाद को समझना है कि हम लोग कर्म करते जाए, भक्ति करते जाए, उसका पुरस्कार भगवान कब देंगे, कैसे देंगे, वो कृष्ण के हाथ में है ना, वो तो उसका हाथ में है, ये तो ठीक है, यही है उसका अर्थ, वही है सारा भागवत गीता का, वही सार है, वही है। आप कर्म करते जाओ और मुझे संतुष्ट करो, और क्या करना है वो मैं सोचूंगा, वो सोचेंगे किसको, फिर से दोबारा भी भेज सकते हैं ये इस धाम में, जो तुम इस कर्म के लिए जाओ, ये काम करो, तो वो भी होता है ना, कोई अवतार जब होते हैं, आते हैं, तो उसको तो वो शक्ति दे के, भगवान ही उसको उसका शक्ति दे के धरा धाम में भेजते हैं कोई विशेष काम के लिए, तो ऐसा ऐसा भी होता है। तो चलिए, हमारे विश्वधारिणी माता जी का प्रश्न है, शायद प्रश्न करने का सबको हम एक ऑप्शन दिए थे, सबको पता है ना रिएक्शन करना है, कैसे रिएक्शन, देखिए हाथ ऐसे उठाना है, नहीं नहीं कौन सा है, हाथ रिएक्शन करना है, ऐसे ऐसे हाथ उठाना है, ये प्रश्न चिन्ह कि मेरा एक प्रश्न है। तो भक्तगण भूल गए, जिस भक्त का कुछ बोलने का हो पहले ये करना है, नंद किशोरी माता जी, ठीक है, नहीं तो क्या होगा, मान लीजिए अभी मैं विश्वनाथ प्रभु जी से बात कर रहा हूँ, तो विश्वनाथ प्रभु जी से बात करते करते आप बोल दिए, तब ये प्रभु जी जो बोलना चाहते वो भी भूल गए, है ना, इसीलिए कहाँ पर करेंगे प्रभु जी की, यू निकलेगा यहाँ का चिन्ह, आप हमको नहीं समझ में है, विश्वनाथ प्रभु जी बता दीजिए, मैं तो लैपटॉप से कर रहा हूँ, वो मोबाइल से, मोबाइल में वो देखिए, एक ये मोर लिखा है, MORE, वो मोर में तीन डॉट है, उसमें हाथ लगाइए। अच्छा, उंगली टच करेंगे ना, हाँ केवल उंगली टच करेंगे ना, हाँ उंगली टच कीजिए, उसमें करके देखिए, मोर दाहिना साइड में मोर, तो क्या है, हाँ ये तो हमारे जी किए तो पर हो जी, हाँ MORE मोर, ठीक है ठीक है, बाद में वो एक दिन प्रैक्टिस करेंगे। तो हमारे माता जी हाथ उठाए हैं जी, प्रभु जी ठीक है, माता जी का क्या आ गया है, हाँ माता जी, तो मेरा ये सवाल था कि यहाँ जो बोला गया है कि दिव्य भगवान के प्रति दिव्य आह्लादकारी प्रेम उत्पन्न होता है, तो हम गोपियों के विषय में देखते हैं या ब्रजवासी और गोपगण, तो उनकी बहुत तीव्रता से इच्छा थी कि भगवान को, जैसे गोपियां बोलती थी कि जब भगवान वनचारण के लिए गोचारण के लिए जाते हैं तो हमें नहीं दिखाई देते, और फिर गोप बालक बोलते थे कि भगवान रात को सोने के लिए यशोदा मैया के पास जाते हैं तो हमें नहीं दिखाई देते, तो ये भगवान ने दोनों का इच्छा पूर्ण करने के लिए 7 दिन 7 रात जो गोवर्धन उठाया, ये हम लीला देखते हैं, लेकिन देवता जो है, मतलब इंद्र द्वारा जो अपराध हुआ जिसका परिणाम स्वरूप भगवान ने गोवर्धन उठाया, तो ये जो देवता लोग है वो तो मतलब हम बोलते हैं कि सामान्य जीवों से ऊपर ही उठ के एक दिव्य ज्ञान को ऑलरेडी प्राप्त कर चुके हैं, तो इनमें वो विकार कैसे आता है, ऐसा है। माता जी यहाँ पे जो दिव्यता और देवत्व अलग चीज है, इस चीज को समझना पड़ेगा, दिव्यता जो है ना, दिव्यता शब्द आध्यात्मिक जगत के लिए यूज होता है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड के लिए, और देवत्व चीज जो है ना, देवत्व मतलब मनुष्य से ऊपर, दैट्स ऑल, मनुष्य से ऊपर की जो स्टेज को उसको देवत्व कहा जाता है, लेकिन दिव्यता जो है ना वो मनुष्य से, देवता से, गंधर्व से, ऋषियों से, तप से, सबसे ऊपर है, दिव्य जो है ना मतलब एकमात्र भक्त के जीवन में आता है, दिव्य मतलब नो एनी मेटेरियल,
जो ऋषि अगर तपस्या करे किसी लालसा से कि मैं जल में पानी में चल सकूंगा, पैदल चलूंगा, वो हिमालय में जाकर तपस्या करे, वो भी दिव्य नहीं कहा जा सकता, वो भी मेटेरियल है ना। दिव्यता का अर्थ होता है एकमात्र कृष्ण से संबंधित प्रेम, ये कृष्ण से संबंधित हमारा जो रिलेशनशिप वो एकमात्र दिव्यता है। बाकी इंद्र चंद्र वरुण ब्रह्मा ये दिव्य नहीं है, देवत्व, देवत्व अलग चीज है, दिव्यता अलग चीज है। इस चीज को आज ये भगवान तो ये भगवान को कृष्ण रूप में नहीं जानते, खाली परमात्मा रूप जो स्टेज है वहां तक ही जानते हैं। नहीं नहीं नहीं, आपका अलग अलग भाव है, सभी जानते हैं। जैसे कभी कभी नहीं, ऐसा नहीं कि हर कोई परमात्मा, जैसे उदाहरण स्वरूप आप पुणे में रहते हैं तो पुणे में क्या हर कोई इस्कॉन टेम्पल के बारे में जानते हैं, या इस्कॉन का एस्टैब्लिश प्रभुपाद ने किया इसके बारे में जानते हैं? नहीं। कोई कोई जानते कि ये विदेशी संस्था है ना, कोई कोई बोलते हैं कि ये तो मतलब ब्रिटिश की तरह ही ऐसा कुछ है, कोई कोई बोलते हैं अरे, मतलब सबका अलग अलग थिंकिंग है। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो पुणे में जितने सारे लोग हैं सभी इस्कॉन को और प्रभुपाद को हर कोई जानते हैं, लाइक आप जितना जानते हैं, है ना। जो भक्त है जो इस्कॉन से जुड़े हैं वो उनका दृष्टिकोण अलग है, और जो बाकी जो भक्तगण बाकी जो लोग हैं जो कोई कल कारखाना में काम करते हैं, कोई आपका बॉलीवुड फिल्म सिटी में काम करते हैं, तो वो नहीं जान पाएंगे। तो सबका अलग अलग थिंकिंग है। उसी प्रकार स्वर्गलोक में जितने सारे लोग गए इसका मतलब ये नहीं कि सभी वो लोग शुद्ध भक्त है, मिश्र भक्त है ना। नारद भक्त सूत्र के चतुर्थ दिन का सेमिनार सुन लेना, वो सब मिश्र भक्त है। मिश्र भक्त मतलब अपनी भैतिक इच्छा भी रहेगी और साथ में भक्ति भी करेंगे, तो उसको एक दृष्टिकोण से भक्त नहीं माना जाता है ना। भक्त जैसे मान लीजिए स्वर्गलोक कौन कौन जाते हैं, हम लोग जानते हैं, आप किसी को धन दिया मतलब डोनेशन किया, भोजन बांटे, कंबल बांटे, परोपकार किया, अस्पताल खोले, ये सब किया, तो इसका फल स्वरूप क्या है? स्वर्गलोक। स्वर्गलोक के लिए ऐसा नहीं कि आपको हरि नाम जपना है, स्वर्गलोक कीजिए है, ये सब कुछ परोपकार करेंगे ना तो स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है, स्वर्गलोक बहुत ही इजी है। तो मान लीजिए जीवन भर कभी कृष्ण के बारे में जाना नहीं, जीवन भर कभी हरि का नाम नहीं लिया, लेकिन परोपकार बहुत किया, तो वो तो स्वर्ग जाएगा। तो स्वर्ग में जाके क्या करेंगे? नंदन कानन, ब्यूटीफुल, आराम से आलिंगन, पार्क में घूमना, शराब पीना, लड़कियों के साथ डांस करना, ये ऐसे करेंगे। तो लोग भगवान के बारे में तो इसे देवत्व कहा जाता, दिव्यता नहीं। दिव्यता मतलब कृष्ण का जो स्तर है, कृष्ण जिस भाव में रहता है भक्तगण वो भाव में, उसी को कहा जाता दिव्यता। देवत्व अलग चीज है, ठीक है। अच्छा, थैंक यू। और किसी भक्त का, माता जी, प्रभु जी, सोचता है क्या प्रश्न करेंगे, हम प्रभु जी की तरफ ही देखते हैं प्रश्न के टाइम, विश्वनाथ प्रभु का क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं। प्रश्न तो ये सूत गोस्वामी को किया ना, सरो कांति ऋषि को, इसलिए तो वो ये प्रश्न जो चल रहा है, प्रश्न का उत्तर वही हम सुन रहे हैं। एक चीज मेरे क्लास में एक चीज में देखा हूँ, ओवरव्यू मैं कुछ कुछ भक्तों से लिया हूँ मेरे क्लास के विषय में, तो सभी का यही भाव है प्रभु जी, जब आप बोलते हैं ना तो क्लास के समय ही जो कंफ्यूजन पैदा होता है एक मिनट के अंदर, तो डेढ़ मिनट के बाद उसका मिटा देते हैं आप। मैं बहुत सारे माता जी प्रभु जी जब मायापुर टीवी में भी जो क्लास दिए, और जैसे जूम में इतना दिन से क्लास चल रहा है, तो भक्तगण मुझे बोलते कि प्रभु जी मेरा क्वेश्चन उठता है, आप जब बोलते हैं ना तो क्वेश्चन में नोट करता हूँ, तो नोट करके लास्ट कलम, लास्ट अक्षर जैसे प्रभु जी इंद्र भगवान को या गोवर्धन क्या बोलते हैं वृंदावन में बारिश क्यों किया, तो क्यों किया शब्द लिखने से पहले ही उसका उत्तर में दे देता हूँ, तो उसका आधार रह जाता है, तो जिसके कारण भक्तों का प्रश्न नहीं रहता मेरे क्लास में। तो आई डोंट नो ये अच्छा क्वालिटी है या कैसा है ना। मेरे गुरु महाराज बोलते हैं कि क्लास के अंत में प्रश्न उत्तर होना चाहिए, लेकिन मेरे क्लास में प्रश्न उत्तर नहीं होता, और एक दृष्टिकोण से उसका प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। तो अभी मैं अभी इसका क्या बोलते हैं कंक्लूजन नहीं निकाल पा रहा हूँ कि मेरा क्लास अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, जिसके कारण प्रश्न नहीं आ रहा।
ये माता जी का क्या कहना है? माता जी बोलिए। प्रभु जी, जैसे आप आपने बोला कि मैं किसी को कोई प्रश्न लिख रहा है तो वो प्रश्न खत्म होने से पहले उसका उत्तर जो है आगे मिल जाता है, तो जैसे हम गुरु तत्व को सुनते हैं कि गुरु जो है वो सामने वाले को पूरा स्कैन कर लेता है ना, तो जैसे कि आपका ब्रह्मचर्यत्व का तेज और गृहस्थी में जो भले ही आप ब्रह्मचारी से गृहस्थी में प्रवेश करने के बाद भी जो भागवत का कृपा है ना प्रभु जी, उस वजह से सामने वाले के माइंड में क्या चल रहा है ये व्यासदेव जी आपकी मुख से ऐसे ही बुला रहे हैं, तो ये प्रभु जी अच्छी क्वालिटी है, एक अच्छे प्रवचनकार का मतलब ये। चलिए माता जी, इस बात को बोलने के लिए मैं बहुत ही आपके प्रति आभारी हूँ और इससे मुझे प्रेरणा मिलेगा। और बाकी सभी भक्त का फीडबैक तो बहुत ही अच्छा है, कोई भक्त, लेकिन मुझे एक चीज पता नहीं चलता, कुछ कुछ भक्त ज्वाइन करते थे लेकिन कुछ एक भक्त ज्वाइन नहीं कर रहे अभी भी, तो उसका समस्या क्या मैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं सोचता हूँ कभी कभी हो सकता है मैं ऐसा कुछ बोल दिया जिसके कारण दुखी होकर चला गया, और कभी कभी सोचते नहीं नहीं उस समय लॉकडाउन का टाइम था जिसके कारण लोग जुड़ते थे, अभी तो सबका अपना अपना काम हो गया इसलिए नहीं आते, और कभी कभी माइंड में आता, दो तीन थिंकिंग आता, अभी कौन सा सही आई डोंट नो, है ना। तो खैर विषय वस्तु यही है कि अगर निर्मत सर भाव न रहे तो भागवत कथा में सुन वो भागवत कथा में बैठ भी नहीं सकता, है ना। अगर मान लीजिए मैं कभी किसी को दुख दिया, कुछ ऐसा वर्ड बोला, तो अगर वो उसी को पकड़े रहेंगे तो भागवत हम नहीं सुन पाएंगे, है ना, एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो। तो चलिए अल्टीमेटली सभी भक्तों की जो भावना है बहुत ही सुंदर है, स्पेशली आपकी ये जो वाणी और हमारे विश्वनाथ प्रभु जी और बाकी सभी भक्तों की हेतु की कृपा है। स्कैन करना, चलिए हम आता। आप प्रभु जी, आप किसके लिए भी बोलते हैं चाहे डांटते हैं तो अच्छा लगता है, ये भक्त लोग के लिए ही आप बोलते हैं ना, अपने लिए तो नहीं बोलते हैं, तो ये तो हम मतलब जो आप छोड़ देता है तो वो पता ना क्या क्या समझ के छोड़ देता है, लेकिन अगर हम लोग से कोई भी गलती होगा तो आप बोलना तो आप ही को, क्योंकि आप दोनों हैं, एक हम लोगों को गुरु भी है और एक गार्जियन के तौर पे भी है, सब तरह से तो आप ये है, ऐसा तो नहीं है कि आप बोल देते हैं तो तकलीफ लग जाती है, नहीं, एक हम अपना अनुभव कह रहे हैं, तकलीफ नहीं लगती है बल्कि ज्ञान मिलता है इस तरह से। बहुत सुंदर माता जी, अपना सरल अनुभव या विनम्र अनुभव व्यक्त करने के लिए, भक्त के अंदर ऐसे ही गुणावली ऐसे ही क्वालिटी होना चाहिए। चलिए हमारे विश्वनाथ प्रभु जी कुछ बोलना चाह रहे, दलिया चक्रवर्ती माता जी, चलिए विश्वनाथ प्रभु जी बोलेंगे, दलिया चक्रवर्ती माता जी हाथ उठाए मतलब कुछ तो है, माता जी वीडियो ऑन करके बात कीजिए, है ना। প্রভু ফোনটা খারাপ হয়ে গেছে, অনেকটা চার্জ থাকছে না, ভিডিও অন করলে প্রবলেম হচ্ছে, চার্জ চলে যাচ্ছে, আমি ক্লাস করতে পারছি না, আবার অন্য ফোন দিয়ে করতে হচ্ছে, আজকে ও বাড়িতেও নেই। আচ্ছা ঠিক আছে বলুন। বলছি যে আমরা যখন ছোট ছিলাম যখন স্কুলে যেতাম তো তখন কি আমাদের টিচার ধীরে 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 মে ট্রান্সলেট করুঙ্গা। হ্যাঁ, হাম লোগ জব ছোটে থে উস সময় হাম লোগ স্কুল জাতে থে। নেক্সট। ছোটে জব হাম লোগ ছোটে থে तब तो हम जब स्कूल में जाते थे तो हम लोगों को टीचर नहीं डांटते थे क्या, तो हम लोग थोड़ी ना वो पकड़ रखे हैं कि हाँ टीचर डांटे कि अगले दिन स्कूल नहीं जाना है। वेरी नाइस, कितना सुंदर हिंदी बोलते, ऐसे ही बोलना है, नो बंगाली। अरे कृष्ण, ये नंद किशोर माता जी को ये हैंड रेज सीखे क्या नहीं, उसको मोबाइल में डाइना साइड में वो अंगुली उसमें दबाना है तो उसके बाद हैंड रेज लिखा रहेगा, उसमें हाथ देना है, अंगुली लगाना है, ताकि ये है इसलिए उसको दिखाने के लिए। विभा माता जी जब विभा माता जी के घर में आएंगे ना उस समय विभा माता जी को सिखा देंगे, ठीक है, अभी उनके लिए छूट है।
अभी उनके लिए छूट है, बाकी सब यहाँ तो उठाएंगे, माता जी नहीं उठाएंगे। ठीक है कोई बात नहीं, इसलिए मैंने वो करके दिखाया उसको, लोअर हैंड कर रहा हूँ, बात हो गया मेरा काम। ओ अच्छा अच्छा, मैं सोचा आपका कुछ प्रश्न है। नहीं प्रश्न नहीं वो, तो चलिए हमारा समय सीमा 6:05, 6:06 हुआ है, 6 बजे बंद करना चाहिए था, कोई बात नहीं। हमारे नंदकिशोरी माता जी अपना अनुभव व्यक्त किए, कलिया चक्रवर्ती माता जी भी व्यक्त किए, और हम लोग वांछा कल्प तोड़ करके आज की कथा को यहीं पर विराम देंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। जय जगत गुरु श्री प्रभुपाद की। ग्रंथराज श्रीमद भागवत महापुराण की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। प्रेमानंदे हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। जगन्नाथ देवदास प्रभु जी की, लक्ष्मी देवी दासी माता जी की जय। श्री श्री मायापुर धाम की जय।